तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम अभयदां जाड्यांधकारापहः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अर्जुन के मन में पराकरुणा पराई कृपा जो अस्वाभाविक थी उसके लिए वह जब निर्माण हुई तो 8 चिन्ह शरीर पर दिखाई पड़े और ये 8 चिन्हों का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है। शरीर ने जो चिन्ह दिखाए उसका साइकोलॉजिकल अर्थ क्या होता है और उससे मुक्त कैसे रहा जा सकता है उस पर चिंतन हमने कल किया। आइए
आज अगले श्लोकों की ओर चलें। शोक की वजह से ये जो चिन्ह प्रकट हुए उनका वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के भावी परिणाम क्या होंगे उसका निर्देश करते हुए कुछ शगुन की बात कर रहा है। 31वां श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। यह जो श्लोक है इस श्लोक से पता चलता है कि अर्जुन ने जो लक्षण बताए थे वो शारीरिक थे लेकिन शारीरिक सचमुच में नहीं थे, वो इसके मन की दुर्बलता का परिणाम था। हे केशव, अर्जुन कह रहा है, हे केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, निमित्तानि विपरीतानि पश्यामि, मैं बहुत विपरीत लक्षणों को यहां पर देख रहा हूं। आहवे स्वजनम हत्वा श्रेयः न अनुपश्यामि। युद्ध में स्वजनों को मारकर कोई श्रेय मुझे दिखाई नहीं पड़ता है प्रभु। तो इस श्लोक में दो बातें आई, एक तो निमित्त, विपरीत निमित्त, विपरीत लक्षण अर्जुन देख रहा है और उसका परिणाम भी कह रहा है कि युद्ध के बाद कोई कल्याण नहीं होने वाला। दोनों पर चिंतन की आवश्यकता है। केशव संबोधन पहले तीन प्रकार से अर्थ होता है केशव का। एक, केशी नाम के राक्षस को प्रभु ने मारा था, अश्व का रूप लेकर आया था ब्रज में, कंस ने भेजा हुआ था उसे और केशी को प्रभु ने मारा था, इसलिए केशव एक नाम पड़ा। केशी निषूदन केशव इस अर्थ में है। दूसरा और तीसरा अर्थ अधिक आध्यात्म की ओर इंगित करता है। क ईशर व केशव शब्द की संधि विग्रह करोगे, क ईशर व, क का अर्थ है ब्रह्म, कम ब्रह्म तो ब्रह्मा जी, ईश शिव और वह वाती, जो ब्रह्मा और शिव को भी अपनी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करता है वो केशव है। अर्जुन मानो कह रहा है प्रभु इस समय मुझे भी आपकी शक्ति की आवश्यकता है। तो हे केशव, केशव वाती अनुकंप्यतया गच्छति इति केशव। सृष्टि के सर्जक ऐसे ब्रह्मा क और सृष्टि के संहारक रुद्र ईश, ये दोनों को जो अपने अनुग्रह के पात्र समझता है वो केशव। तीसरा अर्थ समझने में बड़ा सरल है, क ब्रह्मा ईश शिवजी और वह विष्णु, प्रभु आप ही सृष्टि के सर्जक पालक और संहारक हो, इसलिए आपको तो शोक मोह आदि नहीं होता। अर्जुन कहता है प्रभु मैं तो मानव हूं, मुझे तो स्वजन हत्या से दुख होगा ना। प्रभु
आपने जैसे केशी दैत्य को मारा था, ऐसे मेरे इस अज्ञान को, मेरे इस मोह को आप दूर करो। इसलिए यहां पर केशव संबोधन किया। अब जो बात आती है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, लक्षणों को, शुकनों को मैं विपरीत देख रहा हूं। एक बात बड़ी स्पष्ट है, भगवान ने जो ये सृष्टि में लेटेस्ट मॉडल बनाया है ना, होमो सेपियन मानव देह, वो भगवान का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। जितना श्रेष्ठ इसमें हो सकता था वो सब भगवान ने करके दिया। अब गाड़ी खरीदने भी जाओ तो सस्ती वाली जो गाड़ी होती है सादी, उसमें चार पहिए होते हैं, स्टीयरिंग होता है, गियर होते हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर, गाड़ी बन गई। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी महंगी होती जाए, हमारे टोरंटो के डॉक्टर बिखू जेठालाल कहते हैं टॉयज बेल्स एंड जिंगल्स, ये इतने सब ऐड होते जाते हैं अंदर, खिलौने, फोन भी गाड़ी में, कौन सा दरवाजा खुला है वो आगे से पता चल जाएगा, बेल्ट नहीं लगाया होगा तो टू 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 बोलने लगेगा, कहाँ जाना है पूरी नेविगेशन सिस्टम अंदर होगी, कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो पता होगा, पीछे बैठे हो मेकअप करना है तो दबाओ तो मिरर बाहर निकलेगा। कितने प्रकार के नखरे अंदर, तो बढ़ते जाता है। ऐसे भगवान ने एकदम सिंपल जो जीव बनाया वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, बिल्कुल सादा सीधा, और उसमें से वो कॉम्प्लेक्स होते 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 ये जो होमो सेपियन बनाया, इतने अंदर टॉयज बेल्स एंड जिंगल्स डाल दिए। कहीं भी यदि कुछ गलत करते हो, ये जो महंगी वाली गाड़ी में होता है ना, कहीं गाड़ी कोई अलग जाए और बाजू में ट्रैफिक में कोई गाड़ी आ जाए तो टू 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 बजने लगता है, उसका सेंसर लगे होते हैं, अमुक डिस्टेंस से नजदीक आ जाओ तो टू 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 बजना है, पार्किंग के समय भी टू टू टू। जीवन में यदि कोई गलत काम करने जा रहे हो तो शरीर आपका कह देगा रुक जाओ, ये काम करने जैसा नहीं है, और कोई अच्छा काम करने जा रहे हो आपका शरीर कह देगा, आपकी सिस्टम बता देगी ये काम अच्छा होने वाला है। कोई भी कार्य करने आप चले उसमें, उस समय आपके मन में यदि प्रसन्नता हो रही हो तो वो काम सफल होगा, वो शुभ शकुन माना जाता है। सुंदरकांड के आरंभ में है श्री हनुमान जी, चले हरषि ही धरि रघुनाथा, प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके हनुमान जी हर्षी चले, हर्ष कर, अब जहां हर्ष लेकर चले काम सिद्ध, अंजे रोतो जाए मुआ न हमाचार लेने आवे, जो जाते समय ही प्रसन्नता से जाना, कार्य की शुरुआत में उत्साह ये शुभ शकुन है, और कार्य की शुरुआत में उत्साह का अभाव, गलत प्रकार के संकल्प विकल्प, ये सब सही परिणाम का सूचन नहीं करते। शगुन के बारे में एक स्पष्टता करके फिर उसकी चर्चा की ओर आगे बढ़ें। अच्छे या बुरे शगुन भावी घटना के निर्माता नहीं होते, सर्जक नहीं होते। शगुन संजोग के सर्जक नहीं है, ये केवल संजोग के सूचक है, इतना ध्यान रखना। कुछ लोग इतने पजेस्ट होते हैं ये शगुन के बारे में, उनकी अंधश्रद्धा इतनी मजबूत होती है कि बिल्ली यदि रास्ता काटे तो बिल्ली को मारने पर तुल जाए, इसने काम बिगाड़ा, बिल्ली तेरा क्या काम बिगाड़ेगी, बिल्ली तुम्हारा काम नहीं बिगाड़ती, याद रखना। सूचन
तो शगुन संयोग का सर्जन नहीं करते, शगुन केवल संयोग का सूचन करते हैं। प्राणी भी अपनी चेष्टाओं के द्वारा आपके जीवन की किसी घटना का सर्जन नहीं कर रहे, वे अपनी चेष्टाओं के द्वारा कुछ घटनाएं हैं उनका सूचन करते हैं उनके वर्तन से। और प्राणी के मन में यह नहीं होता कि हम ये इनको शगुन दें शगुन न दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शगुन के भी सर्जन करते हैं। अब जिसका सर्जन किया जाए वो शगुन थोड़े ही होता है। मैं छोटा था, दादी माँ के साथ गांव में रहता था, तो हमारे शेरी में मोहल्ले में एक सज्जन थे। उन्होंने इतने उनको शगुन का वो था कि कोई भी काम करने के लिए तो शगुन होने चाहिए। तैयार होकर के दरवाजे में यूं 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 देखते जाएंगे, कोई अच्छे शगुन आ रहे हैं तो निकले। वो रात की गाय आती हो तो निकले। अब कभी नहीं आती गाय तो निकलते नहीं, और इंपॉर्टेंट काम के लिए नहीं जाना हो तो फिर तो किसी लड़के से कहेंगे अरे जा उधर उधर कहीं गाय खड़ी हो तो लकड़ी लेके उसको मारते मारते इधर ला। अब ये शगुन हुआ, उनकी कुछ ऐसी मान्यता थी कि कुछ लोगों का चेहरा देखकर जाए तो उनका काम नहीं बनता, और वो यदि निकले तो निकलने वाले का चेहरा छोड़ो इनका चेहरा देखने जैसा हो जाता था। ये बीमारी है, ये बीमारी है, मानसिक बीमारी है ये शगुन। दो तरह के होते हैं, एक व्यक्तिगत शारीरिक और दूसरे बाह्य प्राकृतिक। कुछ शगुन आपके शरीर से आपको पता चलते हैं। गीता के पहले अध्याय के 29वें और 30वां श्लोक जो हमने कल दर्शन किया उसमें जो शगुन मतलब चिन्ह जो बताए हैं वे शारीरिक चिन्ह हैं। अर्जुन के अपने शरीर पर दिखाई पड़े हैं, वैसे और भी कुछ हैं, आंखों का फड़कना अंग का फड़कना ये सब शारीरिक शगुन। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि दाहिनी तरह का अंग यदि फरके तो वो पुरुष के लिए अच्छा शगुन है, और बाईं तरफ का फरके तो वो स्त्री के लिए अच्छा शगुन होता है। तो ये व्यक्तिगत शगुन हुए, और बाह्य प्राकृतिक शगुन पशुओं की चेष्टा, कुत्ते का रोना लोमड़ी का रोना, ऐसे जो पशुओं की चेष्टा है, आकाश में उल्कापात, क समय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों के द्वारा भयंकर बोली बोलना, बादलों में से रक्त की वृष्टि होना, चंद्रबिंब में से जो काला दाग है वो न दिखाई पड़ना, ये अब शगुन माना गया है। देवताओं की मूर्तियों में से उनकी आंखों में से अश्रु निकलना, अग्निहोत्री ब्राह्मणों के अग्नि शांत हो जाना, ये सारे अपशगुन माने गए प्राकृतिक है। वो महाभारत के युद्ध के पहले ये सारे बाह्य अपशगुन हो चुके हैं। महाभारत में वेदव्यास जी ने वर्णन किया है इसे। अब रामायण पढ़ोगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए एक साथ में 31 बाणों का अनुसंधान किया, तब ये सारे अपशगुन रामायण में भी लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका कांड में। महाभारत के युद्ध से पहले ये जब प्राकृतिक चिन्ह आए, अर्जुन ने ऐसा सोचा था कि ये तो दुर्योधन के विनाश के सूचन करते, क्योंकि दुर्योधन अधार्मिक है, क्योंकि दुर्योधन अन्यायी है, क्योंकि दुर्योधन पापी है।
लेकिन अब जब स्वजनों की हत्या करने का पाप वह खुद करने जा रहा है, ऐसा विचार अर्जुन को आया तो उसने जोड़ दी इस बात को कि वे सारे अपशगुन मेरे विनाश के भी सूचक हो सकते हैं। इसलिए वो कहता है विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि, ये मेरे लिए भी हो सकता है, मेरे पक्ष को भी ये लागू पड़ सकता है, क्योंकि हम भी अधार्मिक, अब हम भी अधर्म का आचरण करने जा रहे हैं स्वजनों को मारकर। इसलिए अर्जुन इनको विपरीत शुभ निमित्त कहता है। और ऐसे अपशगुन से बचने के लिए उपाय क्या है, तो शास्त्र में कहा है कि अशुभ चिन्ह ऐसे जब दिखाई पड़े, आपके मन में यदि गलत विचार आते हो, मन की निर्बलता उत्पन्न होती हो, तो उस समय केशव का स्मरण करें, केशवम क्लेशनाशाय, इसका स्मरण करें। केशव का नाम स्मरण करने से यह क्लेशों का नष्ट होता है, नाश होता है। इसलिए इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण को केशव संबोधन किया। अर्जुन 29वें श्लोक में हुए चिन्हों को अपशगुन मान रहा है, अपने शरीर के चिन्हों को, लेकिन वस्तुतः शोक की वजह से उसके इंद्रिय मन और बुद्धि में हुआ विकार है। एक और बात, कुछ लोगों का मानना है कि ये तीन श्लोक 29, 30 और 31 का दर्शन करके ऐसा लगता है कि अर्जुन डर गया है। अर्जुन डर गया है ये कहने वाले लोग अपना अज्ञान प्रकट कर रहे हैं महाभारत के बारे में। अज्ञान, अर्जुन डरा नहीं है, क्योंकि स्पष्ट कहा है उसने तो धनुष उठाया है प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हुआ है अर्जुन। यदि स्वीकार करना हो कि अर्जुन डरा है, तो केवल इतना कह सकते हैं अर्जुन पाप से डरता है, मृत्यु से नहीं डर रहा, न कि वो पराजय से डरता है, पाप से डर रहा है। अपने विजय के लिए तो उसे पूर्ण श्रद्धा है, पराजय की आशंका तो अर्जुन जहां खड़ा हो उसके आसपास भी आ नहीं सकती, जैसे दिया जहां पर हो वहां अंधेरा नजदीक नहीं आ सकता, ऐसे अर्जुन जहां पर खड़ा हो वहां पराजय की आशंका आ ही नहीं सकती। यदि उसको डर है तो वो पाप का डर है। और यहां पर जो निमित्त की बात, शगुन की बात अर्जुन ने की, वो किसी अंधश्रद्धा की बात नहीं है, वहम की बात नहीं है। जो घटना बनने जा रही है उसके भावी परिणामों का संकेत उसे मिल गया। जो भी समझदार लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको पता होता है कि ये करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, और अर्जुन वो परिणामों की आशंका, आधुनिक मनोविज्ञान में एक बहुत सुंदर शब्द है, लोग स्वीकार करने लगे, प्रीमोनिशंस। कई बार ऐसा होता है, आप में यहां बैठे हुए लोगों में से भी किसी को होता होगा, आप यदि कोई प्रसंग में हो, अचानक आपको ऐसा लगता है कि ये प्रसंग पहले हो चुका है, ये घटना पहले हो चुकी है, ऐसा लगता है जैसे ये एक्शन रिप्ले चल रहा है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ है कभी, जरा हाथ ऊपर कीजिए, कि कोई दूसरों को क्यों देखते हो, आपको लगता है तो हाथ ऊपर करो, नहीं लगता है तो मत करो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जरा आजू बाजू में कोई कर रहा है तो मैं करूं ऊपर। इसको प्रीमोनिशन कहते हैं। जितनी आत्मा शुद्ध, जितनी सद्भाव की वृत्ति, किसी का बुरा नहीं करना है ये भाव आप रखोगे अधिक, तो आत्मा उतनी स्पष्ट होते जाती है। ये तो पहले से जैसे ये हो गया है काम, ये
सद्भाव का सूचक है। तो अर्जुन यहाँ पर जो निमित्त बता रहा है, विपरीत बता रहा है, वो अर्जुन के सरलता का परिणाम है, उसके सद्भाव भरी वृत्ति का परिणाम। वो कहता है न च श्रेयो नु पश्यामि, अभी तो एक है पश्यामि और उसके बाद जो होगा अनुपश्यामि, मुझे कल्याण दिखाई नहीं पड़ता। शास्त्र में दो शब्दों की बड़ी महिमा है, प्रेय और श्रेय। प्रेय का अर्थ है जो प्रिय है, जो पसंद है, और श्रेय जहां पर अपना कल्याण है। प्रेय हमेशा टेम्पररी होता है और श्रेय हमेशा परमानेंट होता है, शाश्वत होता है। अर्जुन को प्रेय की लालच नहीं है और युद्ध करने में उसे श्रेय दिखाई नहीं पड़ता है। पारलौकिक श्रेय तो नहीं हो गए, ये स्पष्ट करने के बाद अगले श्लोक में, 32वें श्लोक में अर्जुन कहता है प्रभु युद्ध करने से लौकिक प्रेय भी सिद्ध नहीं होने वाला है, वो भी नहीं होगा कुछ। 32वां श्लोक, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द, किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, अर्जुन कहता है प्रभु न कांक्षे विजयम, हे कृष्ण अहम विजयम न कांक्षे, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है, न च राज्यम, मुझे राज्य की भी अभिलाषा नहीं, सुखानि च न कांक्षे, सुख भी नहीं चाहिए। किम नो राज्येन गोविंद, न राज्येन, अभी हमें राज्य से क्या करना है गोविंद, किम भोगई ही, भोग से हम क्या करें, अरे जीवितेन वा किम, जीवित रहकर भी क्या करें हम। ये सारी बातें अर्जुन की निराशा बता रही है, अर्जुन की कर्म प्रेरणा खत्म हुई है, मोटिवेशन जो चाहिए कार्य करने के लिए वो मोटिवेशन ही न रहा। कोई भी कार्य व्यक्ति करे तो पहले पूछेगा ना क्या है, क्यों कर रहा हूं मैं, क्या मिलेगा, ये कामना की बात नहीं है, मोटिवेशन की बात है, उत्साह की बात, व्हाई एम आई डूइंग इट, नॉट व्हाट फॉर, क्यों कर रहा हूं, वही खत्म। युद्ध लड़ना है, अब युद्ध लड़ने के लिए जब व्यक्ति संग्राम में खड़ा है तो सबसे पहले उसकी अभिलाषा क्या होती है, क्यों लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है। अर्जुन कहता है न कांक्षे विजयम, नहीं जीतना है, विजय नहीं चाहिए। ठीक है, विजय क्यों चाहिए, तो विजय पाने के बाद राज्य मिलेगा। अर्जुन कहता है हमें राज्य भी नहीं चाहिए, न च राज्यम, और राज्य होकर के, राज्य मिलके क्या होगा, सुख मिलेंगे। अर्जुन कहता है मुझे सुख भी नहीं चाहिए, सुखानि च, तो न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, कर्म प्रेरणा नष्ट हुई है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि व्यक्ति निष्काम कर्मयोग का साधक हो उसकी बात अलग, लेकिन 100 में से 99 लोग फल की अभिलाषा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं। क्रम कौन सा है, अविद्या, काम और कर्म।
ऊपर से नीचे आओ तो ऐसा क्रम है, अविद्या, काम, कामना और कर्म, और उल्टे जाएंगे तो अधिक समझ में आ जाएगी बात। व्यक्ति कर्म क्यों करता है? क्योंकि कोई कामना है, कोई इच्छा है। कामना क्यों आती है? क्योंकि अविद्या है, अज्ञान है। कर्म तभी होगा जब किसी फल की कामना होगी, और कामना तभी निर्माण होगी जब ये फल पाए बिना मैं अधूरा हूं, मैं अपूर्ण हूं, ऐसा अज्ञान बना रहे। अपूर्णता का अज्ञान ही कामना निर्माण करता है। कोई भी इच्छा अपूर्णता के बोध से ही उत्पन्न होती है। यदि अपूर्णता नहीं है तो इच्छा भी नहीं होगी। पानी की इच्छा क्यों हुई, पानी पीने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि प्यास लगी। वो अपूर्णता का बोध है कि यदि पानी नहीं पीऊंगा तो मुझ में कुछ कमी है, तभी व्यक्ति पानी पीने के लिए प्रवृत्ति करता है। भोजन की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि कुछ कामना है, यहां का खड्डा दिखाई पड़ रहा है। मजाक में मैंने कई बार दृष्टांत दिया है ना, किसी के वहां भोजन करने गए हो, अने घना लोग बीजा ने त्या जमवा जाए त्यारे आपने समझाय नहीं कि आ जमवा आया छे कि वेर वाळवा आया छे। जमवा तमे बीजा ने त्या गया छो, पेट तो तमारू लेने गया छो ने। भोजन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, अहियां सुधी आम पैक, छेल्लू मरचानू भज्यू तो आम दांडी हजी बार देखाती हो, अंदर जवानी जग्या ना हो, पाछो आम आ करें तो आंगली नाखी दांडी पकड़ी पाछू मरचू आई जाए बार, इतना भरा हुआ। पूर्ण वदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और ऐसे व्यक्ति से आप कहो कि अब आइसक्रीम ना चाले, ये पूरा बोली ना, क्या कहूं मर चुके हैं, ना चाले ना चाले, बहुत फेमस है यहां का, बड़ा स्वादिष्ट आइसक्रीम एकदम प्योर मिल्क का, नहीं 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 नहीं, अरे केसर आइसक्रीम ना। आप चाहे 10 उपाय करो, लाख उपाय करो, वो नहीं लेगा, क्योंकि डाले कहां, लेकर रखेगा कहां वो, नहीं नहीं नहीं। डाइनिंग टेबल पर से उठे, बैठे सोफा पर, आधा घंटा पौना घंटा कुछ गप्पे लड़ाए, और वो मिर्ची का पकोड़ा जरा इधर 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 करता, इधर तक उतरा, इतनी जगह हुई, पौने घंटे के बाद वो याद करेगा कुछ आइसक्रीम कह रहे थे आप। क्यों याद किया उसने? क्योंकि अब अपूर्णता हुई। जब तक पूर्ण था तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन नीचे जब उतरा, अपूर्णता हुई, खाली जगह हुई, कि इच्छा निर्माण होगी। याद रखना, वेदांत कहता है इच्छा अपूर्णता में से ही जन्मती है, और ये अपूर्णता का भाव ही अज्ञान है, यही इग्नोरेंस है। यहां पर भरा हुआ पूर्णमदः पूर्णमिदं नहीं, परम तत्व परमात्मा जो है वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूं, यह भाव जो, तब
तब अपने आप कामनाएं शांत होने लगती हैं, और जब कामनाएं शांत होती हैं तो कर्म की उठापटक अपने आप शांत होने लगती, जीवन में शांति और प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। यहां पर अर्जुन की कर्म प्रेरणा नष्ट हुई है, इसलिए नहीं कि वो पूर्णता का अनुभव कर रहा है, उसका विपरीत अज्ञान है, और इस वजह से कामना किसकी करोगे आप, ये भी समझ लेना। सभी सब लोग सभी वस्तु की कामना नहीं करते, जीवात्मा उसी की कामना करता है जो असद वस्तु में उसका सद्भाव निर्माण होता है। सद्भाव आप वो मैत्री के अर्थ में लेते हो नहीं, वेदांत की परिभाषा में सत्भाव, सद्भाव। वस्तु असत है लेकिन आपके लिए उसमें सत भाव निर्माण हुआ। ये फूल है, असत है, कल शाम को ये फूल नहीं था, आज सुबह ये खिला, लेकिन जैसे ही ये फूल मैंने किसी पौधे पर देखा मुझे इच्छा हो गई इसकी। कब होती है? अरे ये फूल मुझे सुख देगा, ये फूल मुझे आनंद देगा, और उस वक्त मैं कन्वीनियंटली भूल जाता हूं कि जिसमें मैं सुख की अपेक्षा कर रहा हूं ये फूल आज शाम होते होते कुमला जाने वाला है, मिट जाने वाला है। लेकिन जब मुझे इसकी कामना होती है तब वो दिखाई नहीं पड़ता कि ये फूल मिटने वाला है। जब किसी संबंध में आप जुड़ने की कामना करते हो, ये व्यक्ति मिल जाए, ये व्यक्ति मुझसे जुड़ जाए, तब आपको थोड़ा सा भी अंदाज ऐसा नहीं होता कि ये संबंध टूट सकता है। असत में सत का दर्शन कामना को निर्माण करता है, ये वेदांत। अर्जुन यहां कामना छोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अर्जुन को परम ज्ञान प्राप्त हो गया है, नहीं। भ्रांति भी कभी कभी बड़ी भयानक होती है, तो अर्जुन का यह वैराग्य सात्विक वैराग्य नहीं है लेकिन भ्रांति का वैराग्य। तो विजय नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए तो मैं क्यों लड़ूं? जैसे भूख ना लगी हुए तो भोजन क्यों बनाओ? ऐसे विजय की इच्छा नहीं है, राज्य की इच्छा नहीं है, सुख की इच्छा नहीं है तो फिर युद्ध क्यों करूं? इस अर्थ में इसकी कर्म प्रेरणा नष्ट हुई। यहां पर इसने प्रभु को पुकारा, कृष्ण करिष्यति पापानि शरणागतानाम इति कृष्ण। शरणागतों के पापों को जो खींच लेता है वो कृष्ण है। प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, ये युद्ध के बहुत बड़े पातक से हमें बचा लीजिए कृष्ण। एक और बात इस श्लोक में तात्विक अर्थ में समझ लें। अब देखिए अर्जुन कहता है कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नौ राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा। भोगों से क्या है, क्योंकि सारे भोग क्षणिक होते हैं। ये भी देखो कैसा है, अधर्म में जब धर्म दिखाई पड़े तो विपरीत डिस्टॉर्टेड सिद्धांत
प्रस्तुत होने लगते हैं। यहां पर अर्जुन अपने कर्तव्य विमुखता को वैराग्य के रूप में प्रकट कर रहा है। वो बड़ी चालाकी से इस बात को छुपाना चाहता है कि वो अपने कर्तव्य से भागने की योजना बना रहा है, तो उसको वो बहुत आकर्षक पैकिंग कर रहा है धार्मिकता का, ताकि किसी को ये ना लगे कि अपने कर्तव्य से भाग रहा है अर्जुन। जीविते न वाकिम, जीने से भी क्या लाभ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहें कि अर्जुन अभी ये बातें करने का समय नहीं है, शंखनाद हो चुका है, युद्ध का प्रारंभ हो चुका है, देख सारे लोग शस्त्र संपात करने के लिए तैयार खड़े हैं, और इस समय यदि तू शस्त्र प्रहार नहीं करेगा, तू लड़ेगा नहीं, तो लोग तुझे मार डालेंगे। अब तो जिंदा रहने के लिए भी तुझे प्रतिकार करना पड़ेगा, अर्जुन लड़। यदि कृष्ण ये कहें तो उसके उत्तर में अर्जुन ये कह देता है, जीवित न वा किम, जीने करके क्या लाभ, क्यों जीऊं मैं, प्रभु हमें युद्ध ही करना था तो इतने वर्षों तक हमने वनवास क्यों भोगा, पहले से युद्ध कर लेते, हमारे में शक्ति तो है, हम कौरवों को हरा सकते हैं। प्रभु इतने वर्षों तक हम वन में रहे, सारी जो शर्तें थी उन सभी का पालन किया, देखो हमारी इंप्रेशन समाज में कितनी अच्छी हो गई है, सब लोग कहते हैं कि पांडव धार्मिक हैं, पांडव अच्छे हैं, पांडव नीतिमान हैं, पांडव न्यायी हैं, और अभी मैं युद्ध करूं तो मेरी ये जो धार्मिक की इमेज बनी हुई है इतनी सब नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे लो इतने साल अच्छे रहे, लेकिन अंत में तो वही किया ना, युद्ध करके अपने स्वजनों को मार के राज्य जीत ही लिया पांडवों ने, तो शेष जीवन में जितना भी जीऊंगा ये अपयश मेरे साथ में लगा रहेगा कि पांडवों ने अपने स्वजनों को मार करके राज्य किया। ऐसे अपयश से जीना उससे तो बेहतर है कि अभी मेरी इंप्रेशन लोगों पे बहुत अच्छी है, अभी मैं मर जाऊं मेरा यशस्वी शरीर तो जीता रहेगा, लोग आने वाले हजारों वर्षों तक मेरी प्रतिष्ठा करेंगे, देखो कैसे हैं पांडव, मर गए, स्वयं सामर्थ्यवान थे, शक्तिमान थे, फिर भी उन्होंने सामना नहीं किया, अपने स्वजनों को मारा नहीं, स्वयं मर गए राज्य के लिए, उन्होंने कोई अपने स्वजनों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, कैसे लोग मेरी कीर्ति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और बस लोग जय जयकार करें, मैं मर जाऊं तो चलेगा। ये अर्जुन कह रहा, अपयश के साथ जीने से तो बेहतर है मैं यश के साथ मर जाऊं। इसलिए अर्जुन कहता है जीविते न वा, जी करके क्या फायदा, अब युद्ध में जाएंगे। देखिए लॉजिक तर्क के लिए मैं कह रहा हूं, अर्जुन के मन में यह भाव नहीं है युद्ध में जाएंगे, यदि युद्ध में हार गए तो अपयश है ही, और यदि युद्ध में जीत गए तो भी लोग कहेंगे अपने लोगों को मार करके राज्य लिया, क्या किया बड़ा काम। तो हारे या जीते, जीवित रहे या मरे, दोनों और अपयश ही है, तो फिर जीकर करना क्या है, इससे तो अच्छा हमें पता है ना कि इस समय तो लोग हमारी प्रतिष्ठा ही कर रहे हैं। जीविते न वा, और प्रभु पहले 33वां श्लोक बोले, बाद में उसका अर्थ देखिए। ये शामर्थे कांक्षितम नो, राज्यं भोगाः सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे, प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। प्रभु येषाम अर्थे नह राज्यम भोगाः च सुखानि कांक्षितम, जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, भोग चाहिए, सुख चाहिए, वे सभी तो यहां पर धन और प्राण का त्याग करके, तैमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, वे सब तो यहां पर प्राण और धन का त्याग करके आ गए हैं, जिनके लिए हमें सुख चाहिए। ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कह रहा है अर्जुन,
इसे थोड़ा समझे। व्यक्ति को सुख क्यों चाहिए, याद रखना, सुख की ओर चलने वाला कोई भी व्यक्ति शत प्रतिशत स्वार्थी नहीं होता। Nobody is 100% selfish in this world. कोई भी व्यक्ति नहीं। जो विकास की ओर जा रहा है, जो सुख की ओर जा रहा है, वो हमेशा अपना सर्कल बढ़ाते रहता है। आप अपने बारे में भी सोचिए ना। समझ लीजिए, आपको बड़ा मकान चाहिए, बंगला चाहिए। क्यों चाहिए? अपने लिए चाहिए। व्यक्ति अकेला होगा तो कहेगा, अरे दो तीन कमरे का मकान हो बहुत हो गया, मैं अकेला आदमी, मुझे क्या चाहिए। बड़ा मकान क्यों चाहिए? समझ लीजिए, आपको बहुत बड़ा मकान दिया जाए, 1500 square feet का कंस्ट्रक्शन और आजू बाजू 4 acres भूमि, और उसमें आपको रहना है अकेला, रहोगे? वो तो एक कैद बन गई, ना अंदर कोई आता है, ना बाहर अंदर कोई दूसरा जाता है, कुछ नहीं, अकेले रहो जाओ। 1500 square feet का बंगलो, मोस्ट मॉडर्न एमेनिटीज के साथ, इटालियन मार्बल, आड़ो तो एना पर करो हूं, पण अकेले करोगे क्या वहां पर? नहीं, बड़ा बंगला चाहिए। क्यों चाहिए? मैं तो अंदर रहूंगा लेकिन मेरा परिवार भी साथ में रहेगा, तो एक प्रसन्नता है उसकी, फैमिली के साथ में रहे वहां पर। ठीक, परिवार में कितने लोग हो? 5 जना। आप परिवार के 5 लोग जाओ 15,000 square feet के बंगलों में, एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग कमरा, बस अब बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, सुख मिलेगा। हां, अकेले बिल्कुल रहते थे उससे थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन ये भी मजा नहीं आया इसमें कोई। क्यों? आपको अपने परिवार से प्रेम है ना, रहो 5 व्यक्ति परिवार के अंदर बंगले में। नहीं, फिर हमारा एक दूसरा सर्कल है बड़ा समार, हमारे स्वजन हैं, मित्र हैं, वो आए कभी कभी वीकेंड में, कोई उत्सव हो तो रहें हमारे नए बंगले में। चलो ये रही इतवार सुबह से शाम तक आपके साथ, उसका मजा है बराबर। केवल उतने से भी सुख नहीं है, कुछ ऐसा भी सर्कल है हमारा, रिलेटिव्स हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स, जो कभी कभार आधे घंटे के लिए, घंटे भर के लिए आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे बंगले में आए। अरे उनको पूरा घुमाएंगे हम, टूर देंगे, ये बंगला भी इधर लिया, ये यहां से आया, ये फर्नीचर ऐसा है, ऐसे बनाया। उतने से सुख नहीं, सुख का सर्कल और बड़ा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आ नहीं पाएंगे, लेकिन दूर बैठे उनको प्रसन्नता होगी जब सुनेंगे हमारे बंगले के बारे में, वो खुश होंगे, तो वो खुशी हमारी खुशी में बढ़ोतरी करेगी। बस हो गया सुख? नहीं, एक और सर्कल है। प्रामाणिकता से इसका स्वीकार करना आप जो मैं कहने जा रहा हूं। बंगले में आप हो, परिवार हैं, कुछ स्वजन हैं, आते जाते रहने वाले लोग हैं, कुछ न आकर के दूर से आपके बंगले को देख करके खुश होने वाले लोग हैं, वो तो आपकी खुशी में वृद्धि करते हैं। और एक लोग ऐसे भी हैं, आपको पता है कि आपका ये बंगला देखकर वे जलेंगे और उनकी जलन तुम्हारे सुख में बढ़ोतरी करती। बात हाचिक नहीं। बंगला बनाते समय उनका भी ध्यान रहता है कि ना जरा मुक मुक
फेसबुक पर मो कितने ने पहुंचे तो खरो और उसकी जलन तुम्हारी खुशी में वृद्धि करती। अब ये सारे वो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दुश्मन है ना, वो भी स्वजन तो हुआ ना अपना है ना वो। अर्जुन कहता है प्रभु मेरे जितने भी स्वजन हैं जिनके लिए मैं सुख की अभिलाषा रखता हूं वे सारे इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाओं में फैले हुए खड़े हैं। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। और वे अपने प्राण और धन की अभिलाषा छोड़ के यहां आए। ये श्लोक में तीन शब्द जो हम बहुत साथ में रखते हैं, अर्जुन ने ये तीनों को अलग अलग करके बताया, भोगः सुखानि और धनानि। हम कहेंगे भोग वही तो सुख हुआ ना, सुख भोग नहीं। हम कहेंगे धन भी तो सुखी हुआ ना, नहीं। ये तीनों के डिस्टिंक्ट अर्थ हैं। भोग क्या है वेदांत की परिभाषा में बताऊं, भोग है ऑब्जेक्ट, विषय, वस्तु, वो व्यक्ति भी हो सकता है, जहां से आपको अपेक्षा है कि सुख मिल सकता है, वो वस्तु हुई भोग। सुख भोग के विषय का कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रिय के साथ संयोग हो करके जो एक अनुकूल अनुभूति होती है उसे कहते हैं सुख। पहले ये दोनों को स्पष्ट कर ले, धन तो फिर आराम से समझ में आ जाएगा। फिर से ही फूल का दृष्टांत लूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, पौधे के ऊपर खिला हुआ ये पुष्प, ये भोग है, ये विषय है, ऑब्जेक्ट है। पास में से जाते हुए व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है और उसे ये विषय आकर्षक लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, उसके लिए वो भोग बना। अभी तक केवल ये भोग है कि आकर्षक लगा वो भोग है, अब जाकर के वो पौधे के ऊपर से फूल को तोड़ेगा, पुरुष होगा तो वो यहां लगाएगा, कोई बहन जी होगी तो यहां लगाएंगी, और ये लगाने के बाद उसको लगे हम इधर लगाएं तो छाती एक इंच बढ़ जाती है आगे, कितना सुंदर गुलाब का फूल मैंने लगाया। या तो उसको अनुकूल इंद्रिय के पास ले जाओ, कॉरस्पॉन्डिंग सेंस ऑर्गन, क्योंकि फूल का सबसे पहला, हमने कल भी ये दृष्टांत परसों देखा था, घ्राण इंद्रिय है, नासिका के पास ले जाओ और ये भोग का विषय का कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रिय के साथ संयोग हुआ और जो खुशबू भीतर गई अच्छी लगी, तब जो हुआ दैट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड सुख, हैप्पीनेस। जब तक ये संयोग नहीं हुआ था तब भोग बाहर पड़ा था, दूर था, केवल भोग था, तब तक ये सुख नहीं था, सुख का साधन था। और ये भी शब्द याद रखना, अपने ऋषियों ने कितना चिंतन किया है कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रिय के साथ, के माजे मरचा नु पकोड़ो मने बहु याद आया करे,
मिर्ची का पकोड़ा पड़ा है सामने। बेटा बनावन नहीं हो आपड़े, राजीव भाई की इच्छा हो तो बात जुदी, बाकी पकोड़े के लिए ये इंद्रिय नहीं है। अब वहां डालोगे तो कितना ऊंचा जंप होता है वो गिनो जरा, कितने फुट का। और फिर आप कहोगे ये विषय तो योग्य नहीं। विषय तो योग्य था, तूने उसको योग्य इंद्रिय से जोड़ा नहीं। विषय तो योग्य था, तो कॉरस्पॉन्डिंग सेंस ऑर्गन के साथ यदि वो जाए और अनुकूल संवेदन हो, अनुकूलम वेदनीयम सुखम प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, भोग सुख दोनों अलग हो गए स्पष्ट रूप से। धन क्या है, भोग के साधन और इंद्रिय की क्षमता आइधर स्लैश और को बढ़ाने के लिए जो रिसोर्सेस हैं उसको धन कहते हैं। धन का अर्थ केवल नोट नहीं है, धन का अर्थ केवल रुपया पैसा डॉलर सेंट पाउंड पैनी वो नहीं है। कोई भी रिसोर्सेस जिससे आपके पास, अब यदि मुझे ये गुलाब का फूल अच्छा लगता है, ये भोग अच्छा लगता है, तो प्रतिदिन ये मुझे भोग का साधन मिलता रहे ताकि मेरी इंद्रिय से उसका संयोग होता रहे और मैं सुख की अनुभूति करता रहूं। इसलिए अच्छे से अच्छे गुलाब का बगीचा लगाने के लिए मेरे मकान के बाहर जो भूमि चाहिए, उस भूमि में खेती करने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए गार्डनर चाहिए, उसके बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पानी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा धन, चाहे उसकी व्यवस्था कैसे भी हो, मेरे पास में रुपए की एक भी नोट ना हो, लेकिन ये सारी व्यवस्था हो जाए तो मैं धनी हूं, आई एम रिच। मेरी जेब में क्या है क्यों देखते हो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे जो सुख चाहिए वो मिल जाता है कि नहीं, उसके रिसोर्सेस हो जाते हैं कि नहीं, खत्म हो गई बात। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नोटों के बंडल भरे हैं लेकिन सुख नहीं है। इस अर्थ में ऐश्वर्य की बात जो भगवान करते हैं ना, इस अर्थ में रिसोर्सेस। यहां पर अर्जुन ने तीनों को स्पष्ट करके बताया, विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्य न भो गोविंद किम भोगे जीवित न ये शाम अर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च तई मे वस्थिता युद्धे प्राणम त्यक्त्वा धनानि च। प्राण को छोड़कर आए, अर्थ प्राण की परवाह को छोड़कर आए। प्राण को छोड़कर आए तो फिर मुर्दे इकट्ठे हुए क्या? प्राण की परवाह को छोड़कर आए। कौन है ये लोग? अर्जुन फिर एक बार लिस्ट बता देता है जैसे भगवान श्री कृष्ण को पता ना हो। 34वां श्लोक केवल एक औपचारिकता, केवल एक फॉर्मालिटी। आइए, आचार्य पितर पुत्र, आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामहः, मातुलः श्वशुरः पौत्रः। इनको बार बार आने की जरूरत नहीं, इनको बोल दो। श्याला संबंधिनस्तथा, केवल नाम अर्जुन बता देता है। कौन कौन है ये जिनके लिए मैं आया हूं? आचार्य, अब जानते हैं इसका अर्थ। हम पितर, पितर हैं, पुत्र हमारे संतानें हैं दोनों पक्ष में, तथा एव च पितामहः दादा हैं, मातुलाः मामा हैं, श्वशुराः श्वशुर पक्ष के लोग हैं, पौत्राः ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, श्यालाः संबंधिनः यही लोग सब।
प्राण की भी परवाह न करते हुए यहां पर आए हैं। अभी तक ये चर्चा करते हुए 35वें श्लोक में तो अर्जुन ने मानो अपना संकल्प ही उद्घोषित कर दिया, संकल्प ही बता दिया, कह दिया बहुत स्पष्ट रूप से। 35वां श्लोक, एतान् हन्तुम् इच्छामि, घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, हेतोः किं नु महि कृते। अर्जुन कहता है प्रभु एतान् न हन्तुम् इच्छामि, घ्नतः अपि, मैं स्वयं मर भी जाऊं, ये लोग मुझे मार डाले, फिर भी त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु हो अपि, त्रैलोक्य का राज्य भी मिल जाए तो भी, एतान हंतुन न इच्छामि, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता। तो फिर मही कृतेनु किम्, पृथ्वी के राज्य के लिए क्यों मारूं मैं, मैं मर जाऊं फिर भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, त्रैलोक्य का राज्य मिले तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, तो फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो मैं क्यों मारूं। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कह के पुकारा है, भगवान ने मधु नाम के दैत्य का वध किया था इसलिए उनको नाम मिला था मधुसूदन। क्यों मारा था मधु नाम के दैत्य को, कथा है कि मधु नाम का दैत्य ब्रह्मा जी के पास से वेदों का हरण करके ले गया था ताकि संस्कृति नष्ट हो जाए, वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था और वो मत्स्यावतार में मधु नाम के दैत्य को मार करके वेदों की रक्षा की थी, इसलिए भगवान मधुसूदन कहलाए, वेदों का उद्धार किया था। अर्जुन कहता है प्रभु मैं इनको मारना नहीं चाहता। त्रैलोक्य कौन से हैं, तीन लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और अंतरिक्ष। मुझे लगता है अगला श्लोक लें और उस पर अधिक चिंतन दोनों का साथ में करें। 36वां श्लोक, निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः, का प्रीति स्याद् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान्, हत्वैतानाततायिनः। अर्जुन से यदि कोई ये कहे कि अर्जुन बात समझ में आती है, चलो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य ऐसे बड़े बुजुर्गों को, ज्ञानी लोगों को, अच्छे लोगों को तू मारना नहीं चाहता, वी अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड वी अप्रिशिएट इट, मत मारो उनको, लेकिन ये दुर्योधन, दुशासन जो बुरे लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, उनको तो तू मार, उनको मारने में क्या दोष है। इसके उत्तर में अर्जुन ये 36वां श्लोक कह रहा है, निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीति स्याद् जनार्दन, हे जनार्दन धार्तराष्ट्रान निहत्य न का प्रीति। ये यहां पर धार्तराष्ट्रान केवल कौरवों के लिए नहीं है, पूरे धृतराष्ट्र के पक्ष के लिए, इन सबको मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी, का प्रीति स्यात्। एतान आततायिनः हत्वा अस्मान् पापमेवमाश्रयेत्,
ये आतताइयों को मारकर तो प्रभु हमें ही पाप मिलेगा, हमें ही पाप लगेगा। यहां पर अर्जुन भगवान को जनार्दन कह के पुकारता है। जनार्दन शब्द की व्याख्या है जनान अर्दयति इति जनार्दन, लोगों को जो मारता है वो जनार्दन। अर्जुन कहना चाहता है प्रभु आपका तो नाम ही है जनार्दन, आप तो लोगों को मारो, हम थोड़ी मार सकते हैं, हम आपके जैसे नहीं हैं। और दूसरे अर्थ में प्रभु आप मधुसूदन हो, जनार्दन हो, दुष्टों को संहार करना ये आपका कर्तव्य है, तो आप करो ना, मुझे क्यों कह रहे हो। इन लोगों को मारने की जिम्मेदारी आपकी है प्रभु, मुझे क्यों ये युद्ध में खींचे जा रहे हो आप। जनार्दन, इस श्लोक में अर्जुन ने एक शब्द का प्रयोग किया है आतताई। हमारे स्मृतिकारों ने आतताई शब्द की व्याख्या की है, और स्मृतिकार, कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि संस्कृत में जितना भी हो ना वो सब धर्म ग्रंथ है। याद रहे संस्कृत एक भाषा है और हजारों वर्षों तक इस राष्ट्र की वो व्यवहार की भाषा रही, तो कई प्रकार के हैं। संस्कृत में नाटक है, संस्कृत में काव्य है, साहित्य का सृजन है, संस्कृत में श्रृंगार भी है, और वैसे संस्कृत में ये स्मृति ग्रंथ भी है। स्मृति ग्रंथ आज की परिभाषा में कहूं तो कानून के ग्रंथ, लॉ बुक्स, समाज का कैसे संचालन करना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको कैसे सजा देनी चाहिए, वो सारी बातें स्मृति ग्रंथों में हैं। स्मृति ग्रंथों का जब नाम बोले, कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे सुना होगा, तो उनको एक ही पता है मनुस्मृति। मनु कोई एक समाज के, एक समय के प्रतिनिधि थे। हाँ, इतने महान हुए मनु कि उन्होंने जो बातें लिखी वो बहुत समय तक समाज में प्रचलित रही। लेकिन अंगिरा स्मृति है, नारद स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, कई महापुरुषों ने स्मृतियां लिखी हैं, कात्यायन स्मृति है। आतताई किसको कहते हैं? वशिष्ठ स्मृति के तीसरे अध्याय में 19वां श्लोक, आतताई की व्याख्या। अग्निदौ गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः। ये छह प्रकार के गुनाह जो करें उसे आतताई कहते हैं। कौन से कौन से? सबसे पहले कहा अग्निदौ, आग लगाने वाला आतताई है। गरद, जहर देने वाला, गर का अर्थ होता है विष, किसी को विष प्रदान करे, जहर दे, आतताई। अग्निदौ गरदश्चैव शस्त्रपाणी, सामने वाला व्यक्ति निशस्त्र हो उसके ऊपर शस्त्र लेकर के आक्रमण करे, आतताई। धनापह, किसी की सारी संपत्ति लूट ले, खींच ले, हरण कर ले। क्षेत्रदारापहारी च, किसी के क्षेत्र को, किसी की जमीन प्रॉपर्टी किसी की खींच ले, और किसी की पत्नी को खींच ले, अपमानित करे, गुमराह करे, ये आतताई है। छह कृत्य करने वाले, मतलब एक एक भी कर्म वो करे तो आतताई है। अब जरा महाभारत की कथा को देखना, पांडवों ने ये सारे दुष्कृत्य किए। अग्नि दो, बहुत संक्षेप में कह दूंगा,
आग लगाने वाला। पांडव जब लाक्षागृह में थे, दुर्योधन ने ही भेजा था योजना करके, तो लाक्षागृह में पांडवों को भेज करके उनको जला देने की कुटिल योजना दुर्योधन ने बनाई थी। आतता ही हुआ, अग्निदम गरद, जहर देने वाला। छोटा था भीम को लड्डू में जहर दे करके मारने की योजना दुर्योधन ने की थी। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणि। पांडव जब वनवास के दरमियान थे तब उनके पास तो शस्त्र नहीं थे, लेकिन उस समय दुर्योधन पहुंच गया था सैन्य लेकर के कि पांडवों को खत्म कर दें, लौट कर आए ही नहीं, राज्य मुझे देना ही ना पड़े उनको। शस्त्रपाणि धनापह, पांडवों की सारी संपत्ति उसने लूट ली है, क्षेत्र, पांडवों की जमीन, इंद्रप्रस्थ महल, पूरा सब कुछ ले लिया है, और दारा द्रौपदी को अपमानित किया है। ये छह में से कोई एक काम करे तो वो आतताई कहलाता है। दुर्योधन ने ये छह काम किए हैं सबके सब, तो आतताई की सजा क्या है? गुरुं वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतं आतताई नमायांतं हन्यादेवा विचारयन्। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो विद्वान हो, कोई भी हो, आतताई है ऐसा आपको पता चले, सामने से आ रहा हो, अविचारयन हन्यात एव, बिना सोचे उसे मार डालो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये मनुस्मृति कहती है, इंडियन पिनल कोड आज का नहीं कहता है, मैं स्पष्टता कर दूं। पाप नहीं लगेगा। नातताई वधे दोषो हंतुर भवति कश्चन। मनुस्मृति के आठवें अध्याय का 351वां श्लोक। आतताई को मारने से कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि यह व्यक्ति ऐसा है। आप देखो कितना जघन्य पाप कर, जरा सोचो तो सही, जीवता मानस ने जे हड़गा विमुखे अटलो क्रूर जे होय, वो भला कैसे सुधर सकता है? हम रास्ते पे जाती हुई चींटी को नहीं मारते, मच्छर भी यदि घर में आ जाए तो मच्छर को नहीं मारते, दस मिनट की तपश्चर्या करते हो उस मच्छर को खिड़की से बाहर निकालने के। एक मच्छर को मारने से हमारा दिल द्रवित हो जाता है, और ये लोग इंसान को मार डाले, जला दे उसको, जहर दे दे भोजन में। ये जीने के योग्य नहीं है ऐसे लोग, तो अन्या देवा विचार है। कात्यायन भी कहते हैं, आतताई निचोत्कृष्टे तपस्वाध्याय जन्मतः वधस्तत्र तुनैव स्यात् पापम हीने वधो भृगु। पाप नहीं लगता है आतताई को मारने से, कुछ कड़क नियम थे प्राचीन भारत में और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ता था। लोग गलत काम करने से डरते थे। अब ऐसे आतताई दुर्योधन को मारने पर अर्जुन को तकलीफ हो रही है, क्यों? अर्जुन का तर्क, अर्जुन का लॉजिक कुछ अलग है। वो कहता है, देखिए, अर्जुन कहता है मुझे भी पता है
ज्ञातदाई को मारना चाहिए, अधार्मिक व्यक्ति को मारना चाहिए, लेकिन यहां पर वो अधार्मिक व्यक्ति, वो आतताई मेरा अपना स्वजन है, मेरा भाई है। दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कहता है ना, अहिंसा परमो धर्म, ये भी तो शास्त्र कहता है। तब दोनों शास्त्र आ गए, एक तरफ शास्त्र है मारो और दूसरा शास्त्र है किसी को भी न मारो, तो मैं क्या करूं? आप याद रखना, थोड़े इस प्रश्न का उत्तर समझें। भारतीय संस्कृति ने चार पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, जीवन के परिपूर्ण आनंद की उपलब्धि के लिए चार प्रकार के शास्त्र भी दिए, धर्म शास्त्र, अर्थ शास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र। भारतीय संस्कृति ने चारों दिए। धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए धर्मशास्त्र, अर्थ पुरुषार्थ को सफल करने के लिए अर्थशास्त्र, काम रूपी पुरुषार्थ का परिपूर्ण आनंद लेने के लिए काम शास्त्र। वात्स्यायन ऋषि कहा हमने उनको भी, और मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए मोक्ष शास्त्र। काम और मोक्ष शास्त्र की बात यहां पर नहीं है, यहां दो शास्त्र सामने सामने आ गए। अर्थशास्त्र है, ये स्मृति ग्रंथ है, वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, वो धर्मशास्त्र के अंतर्गत नहीं आते। राज्य का नियमन कैसे करना है, क्या करना है, तो आतताई को मार डालो, ये अर्थशास्त्र है, और किसी की भी हत्या ना करो, ये धर्मशास्त्र है। अहिंसा परमो धर्म, जिसमें थोड़ा सा भी स्वार्थ समाहित हो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, और जिसमें बिल्कुल स्वार्थ न हो, केवल परार्थ या परमार्थ की भावना हो, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। और इसलिए अर्थशास्त्र की तुलना में धर्मशास्त्र बलवान है। शास्त्रों में जहां अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के बीच में विरोध आ जाए, वहां अर्थशास्त्र को छोड़ के धर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन करो, ये कहा गया है। याज्ञवल्क्य जी अपनी स्मृति में कहते हैं, स्मृत्योर विरोधे न न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः, अर्थशास्त्रात्तु बलवत् धर्मशास्त्रमिति स्थितिः। याज्ञवल्क्य स्मृति के दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, शुरुआत में ही याज्ञवल्क्य जी कह देते हैं कि जहां कहीं ये आ जाए अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र को छोड़ के धर्मशास्त्र को प्रधानता दो। यहां पर अर्जुन ये बात कर रहा है, आतताई होने से दुर्योधन मारने योग्य है, लेकिन मेरे परिवार का सदस्य है, इसलिए मुझे पाप लगेगा, क्योंकि यह भी तो शास्त्र कहता है, सएव पापष्ठतमो यः कुर्यात् कुलनाशनम्, जो कुल का नाश करता है वो तो पापी है। अपना व्यक्ति यदि आतताई हो तो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा हम उसका संबंध विच्छेद कर सकते हैं, शिरच्छेद तो नहीं कर सकते, संबंध काट डाले, दूर रखें उसको, मार दे, ये कैसे करूं मैं? और यदि मैं मारूंगा पापम एवं आश्रय, तो मुझे ही पाप लगेगा। ये अर्जुन का कंफ्यूजन। जैसे मैंने कहा ना चार शास्त्र, ऐसे ही इस समाज में मनुष्य को सुखी करने के लिए भी चार एजेंसीज हैं।
चार प्रवाह कार्यरत हैं मनुष्य को सुखी करने के लिए। पहला विज्ञान, साइंस। साइंस ये कहता है कि हम लोगों को सुखी करना चाहते हैं। दूसरा प्रवाह है पॉलिटिक्स। राजनीतिज्ञ हमेशा ही कहते हैं ना, हमें वोट दो हम सुखी करेंगे आपको। तीसरा प्रवाह है कला, संगीत, नाटक, फिल्म, नृत्य। लोग हमारे पास आए हम उनको सुखी करें, उनके दुखों को भुला दें। और चौथा प्रवाह है धर्म। चारों कहते हैं मनुष्य को सुखी करेंगे। कैसे करेंगे? विज्ञान का प्रवाह जो है वो कहता है कि हम मनुष्य के आसपास की परिस्थिति को बदल देंगे। मनुष्य दुखी है क्यों? क्योंकि उसकी बाहर की परिस्थिति योग्य नहीं है, इसलिए विज्ञान लगा है बाहर की परिस्थिति को बदलने में। गर्मी लग रही है आपको, इसकी वजह से आप दुखी हो, वैज्ञानिक कहेगा मैं पंखा चला देता हूं आपके लिए, मैं एयर कंडीशनर ला दूंगा आपके लिए, सुखी हो जाओ। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको बड़ी समस्या, बड़ा दिक्कत पड़ रही है, यह आपके दुख है, मैं आपको मोटर गाड़ी दे देता हूं, घंटे भर में पहुंच जाओगे। ये विज्ञान का लक्षण। दूर बैठे किसी स्वजन से की याद आ रही और बात कर नहीं हो पा रही इसलिए आप दुखी हैं, मैं आपकी जेब में एक चूहा रख देता हूं। मोबाइल, बस जब जी चाहे टुक 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 बटन दबा दो, बात कर लो, सुखी हो जाओ। मैं तो ये मोबाइल कंपनी वालों के विज्ञापन देखता हूं ना, मुझे लगता है इनकी यदि चले तो लोगों को दूसरा कुछ करने ही ना दे, केवल मोबाइल से ही चिपका के रखे। इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है, अनलिमिटेड प्लान, ये प्लान, वो प्लान, इतना टॉक टाइम, रात को फ्री टाइम, हजी पण ओछी वातो करशो, बोलो। हमारे कहीं बीजो धंधो करो नहीं छोड़ो, कहने का आशय है विज्ञान ये कहेगा बाहर की परिस्थिति को बदल देंगे हम और सुखी कर देंगे। बहुत कोशिश की विज्ञान ने, पिछले 500 वर्षों से कोशिश कर रहा है, बाहर की परिस्थिति बदलने में बहुत हद तक विज्ञान वैज्ञानिक सफल भी हुए, लेकिन एक वास्तविकता है हमारे दुख कम नहीं हुए, वरन बढ़े। बहुत ज्यादा बातें की तो बहुत सुखी हो गए, अरे घना वड़ी ले तो के भाई साहब आप मोबाइल तो हमें काल करो, नहीं कर सकते। दूसरी एजेंसी है राजकारण, पॉलिटिक्स, राजनीति। राजनीतिज्ञ वही कहता है हमें वोट दे दो हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। क्यों दुखी हो तुम? राजनीतिज्ञ कहता है दूसरे की वजह से तुम दुखी हो। देखो हमेशा, और पॉलिटिक्स मतलब केवल गांधीनगर में या तो दिल्ली में बैठे हैं या तो कहीं भी, हर एक स्टेट की जो अपनी अपनी कैपिटल है वहां बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, कलकत्ता में बैठे हैं, वो ही केवल राजनीतिज्ञ है? नहीं, जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हुए पॉलिटिक्स आ ही जाता है। कई बार बहुत इनोसेंट लगता है लेकिन वो होता है पॉलिटिक्स। ऑफिस से घर लौटा हुआ पति अपने 5 साल के बेटे को उठा ले, आ बेटा, हाथ में एक चॉकलेट थमाए और फिर पूछे तने पप्पा गमे के मम्मी गमे,
ये पॉलिटिक्स, क्योंकि दो से तीसरा हुआ मतलब वो अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, मेजोरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 2-1। अब लगता है वो बहुत बड़ा इनोसेंट एकदम, ना 5 साल का बेटा पप्पा के हाथ में है, पप्पा के हाथ में चॉकलेट भी और वो भी पप्पा के हाथ में, तो वही कहेगा ना मैंने पप्पा गमे पप्पी आपो पप्पा ने, ये पॉलिटिक्स। तो हर जगह पे ऐसा मत समझना कि केवल जो कानून के वहां पर बैठे हैं हम इलेक्शन चुनाव करके भेजते हैं वही पॉलिटिक्स, नहीं, मानव मात्र का ये स्वभाव है राजनीति, वो हमेशा कहेगा तुम दुखी हो क्यों, तुम दूसरे की वजह से दुखी हो, दूसरा तुम्हें दुखी कर रहा है, हमें सत्ता दे दो हम दूसरे को ठीक कर देंगे तुम्हें सुखी करेंगे। राजनीति भी अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई व्यक्ति को सुखी करने में, कितनी सत्ताएं बदलती रही विश्व के हजारों वर्ष के इतिहास में, लेकिन मनुष्य सुखी नहीं हो पाया। तीसरा प्रवाह है कला, आर्ट, जो एंटरटेन करके मनुष्य को सुखी करना चाहते हैं, और वो मनुष्य को कहते हैं दुखी क्यों हो, क्योंकि तुम अपनी वास्तविकताओं को झेल नहीं सकते, यू आर नॉट हैप्पी विद द रियालिटी। कला के क्षेत्र के लोग कहेंगे हमारे पास आओ कुछ क्षण तक, हमारे पास जब तक हो हम तुम्हें वो वास्तविकता को भुला देंगे, एक स्वप्न सृष्टि में ले जाएंगे, तुम्हारे दुख को भुला देंगे सुखी करेंगे। वही तो होता है ना, 3 घंटे की फिल्म देखने आप जाते हो, वो अंधेरे में आपको एक ऐसी सृष्टि में ले जाने की प्रयास करता कि वो 3 घंटे के लिए आप अपने सारे दुखों को भूल जाओ, सुखी हो जाओ। हेतु इन सभी का अच्छा है लेकिन सफल नहीं हुए ये लोग। मैंने एक प्रयोग किया है आप भी करना, अच्छी से अच्छी फिल्म हो सुपर डुपर हिट, सब लोग जिनकी प्रशंसा करते हो, ऐसी फिल्म का थिएटर और रात के 9 से 12 या कोई भी जो भी शो 3 से 6 वाला जो आपको पसंद हो, शो शुरू होते समय आप वहां जाके खड़े रह जाओ, और जितने लोग फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं अंदर उनके चेहरे देखो आप, कितने प्रसन्न होंगे वे, वाह ऐसी फिल्म की टिकट मिल गई है मजा आएगा, लोग कितनी प्रशंसा करते हैं, कौन सा हीरो है कौन सी हीरोइन है, बड़े अच्छे गाने हैं अंदर, नेशनल अवार्ड मिला है इस फिल्म को, तो बड़े उत्सुक होते हैं ये लोग, बड़े उत्साही होते हैं, दे आर क्वाइट एंथुजियास्टिक अबाउट इट। और जो इतने सारे लोग गए 600-700-800 हजार लोग जो अंदर फिल्म में गए, उसमें से 10-15 चेहरे सैंपल के रूप में आप याद कर रख लो, जो बहुत अधिक उत्साही दिखाई पड़े थे आपको, बड़े प्रसन्न दिखाई पड़े थे, अब वो तो चले गए अंदर, आप चले जाओ घर पे। 6 बजे जब फिल्म पूरी हो जाए, लोग थिएटर से बाहर निकल रहे हों, उस समय आप जाके वापस वहां खड़े रह जाए और बाहर निकलने वालों के चेहरों को देखो। ये प्रयोग करना, मैंने किया है इसलिए आपसे कह दो, अच्छी फिल्म देखने गए थे हिट फिल्म देखने गए थे, लेकिन बाहर निकलते समय ना शोक सभा माथी बाहर आता हो ना, अच्छी फिल्म देखी आपने, थाकी गया बस, जाते समय उत्सुकता थी आते समय उतनी उत्सुकता नहीं रहती। कला हमेशा के लिए व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकती,
और चौथा क्षेत्र है धर्म, जो मनुष्य को सुखी करने का प्रयास करता है। ये तो वही है। और धर्म क्षेत्र के लोग कहते हैं दुखी क्यों हो? देखो, वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने कहा था तुम दुखी हो क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस ऐसी, बाहर की सिचुएशन ऐसी है। राजनीतिज्ञ ने कहा दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो तू दुखी कर रहा है, तो मुझे सत्ता दे, मैं दूसरे को ठीक कर दूंगा। कला के व्यक्ति ने कहा तुम अपनी वास्तविकताओं को झेल नहीं सकते इसलिए तुम दुखी हो। धर्म कहता है तुम दुखी हो किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति की वजह से नहीं, तुम दुखी हो केवल अपनी वजह से। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो स्वयं को बदलो, अपने आप को बदलो। धर्म की पूरी जो प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनर क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। धर्म आपके आसपास की परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करता, बदल जाएगी। यदि आप धार्मिक हुए तो आपके आसपास की परिस्थिति अपने आप बदलने लगेगी, आपके वाइब्रेशंस ऐसे जाने लगेंगे। धर्म किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराएगा हर बार, वरन धार्मिक व्यक्ति यह कहेगा यदि दूसरा दोषी है तो उसमें गलती मेरी है, मैं उसके पास गया नहीं, मैंने उसको सुधारा नहीं। धर्म तो मां का प्रेम है। बालक यदि गंदा है, पड़ोसन उसकी निंदा कर सकती है, कैसा गंदा बालक है, मां कभी निंदा कर सकती है? बालक यदि गंदा है तो मां कहेगी मेरा ध्यान नहीं था उसकी ओर, मैं उसे स्वच्छ कर दूं। और धर्म, भले जो धर्म को समझे नहीं, मार्क्स और ये सब कम्युनिस्ट लोग कहें कि धर्म तो एक नशा है, नशा नहीं। धर्म ये रियलाइजेशन है, आंतरिक रूपांतरण है मनुष्य के दुख का। क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपको कैसे दुखी कर सकता है जब तक आप दुखी। पास्कल ने बहुत सुंदर कहा था, नोबडी कैन मेक यू हैप्पी, यू मस्ट नो हाउ टू बी हैप्पी। और कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं दुखी होना नहीं चाहते। मुझे बुद्ध का एक दृष्टांत बहुत प्यारा लगता है, मैंने कई बार कथाओं में कहा है लेकिन यहां पर ये बड़ी सुंदर जगह है वो दृष्टांत कहने की। बुद्ध एक गांव में प्रवचन कर रहे थे, कुछ लोग सामने बैठकर उनकी बातों को बड़ी ध्यान से, बड़े प्रेम से और आदर से सुन रहे थे। उतने में उस गांव का एक व्यक्ति आया, लगा था किसी ने भेजा है उसको बुद्ध को परेशान करने के लिए। नशे में चूर था वो व्यक्ति, बिखरे हुए बाल, लाल लाल आंखें, आकर के बुद्ध के सामने अनाप शनाप बातें करने लगा, गालियां देने लगा बुद्ध को। बुद्ध शांति से उसकी ओर देखते रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी क्रोधित हो गया हो, आप यदि उसको कोई उत्तर न दो तो उस व्यक्ति को क्रोध करने का मजा ही नहीं आता। वो चिल्लाता रहे, चीखता रहे, ब्ला 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 ब्ला, और कुछ बोलो ही नहीं। 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक आप कुछ मत बोलो तो उसको ठंडा होना ही पड़ेगा। बलून में से जैसे हवा निकल जाए ना, ऐसे उसकी हवा निकल जाएगी। क्रोध करने का मजा कब आता है पता? सामने वाला एक शब्द बोले आप दो बोलो, वो चार बोले आप दस बोलो, वो एक वाक्य बोले आप दो वाक्य में जवाब दो, वो चार बोले आप दस वाक्य में जवाब दो, अने अर्धो गल्लाक जाम रमझट जामी जाए, जलसो पड़ी जाए। लेकिन सामने वाला चीखता रहे, चिल्लाता रहे, तुम कुछ बोलो ही मत, शांति से बैठे रहो, सामने वाले को मजा ही नहीं आएगा।
तो वो आदमी आया था निश्चय करके कि बुद्ध को उकसाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन वो बोलता रहा, बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। आधे घंटे के बाद उस व्यक्ति ने कहा, मैं इतना बोल रहा हूं तुम उत्तर नहीं देते। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं तुम्हें कुछ तो उत्तर देना चाहिए ना। बुद्ध ने कहा, मेरी मर्जी, मुझे नहीं देना है तुझे उत्तर। ऐसा कैसे चलेगा, मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी, आप मुझे कोई उत्तर ना दो तो मेरी गालियों का क्या होगा। बुद्ध कहते हैं, वो मैं तुझे कह सकता हूं क्या होगा। देख भाई, कल मैं किसी दूसरे गांव में प्रवचन कर रहा था, वहां पर एक व्यक्ति मेरे सामने मिठाइयां लेकर आया, मैंने उन मिठाइयों का स्वीकार नहीं किया। अब तू ही बता उन मिठाइयों का क्या हुआ होगा। उस व्यक्ति ने कहा, आपके लिए कोई मिठाई लेकर आए और आप उसका स्वीकार ना करो तो जो लाया है वो वापस ले जाए। बराबर है ना। कल मैंने मिठाइयों का स्वीकार नहीं किया था, आज मैं तेरी गालियों का भी स्वीकार नहीं करता हूं। अब तू तय कर उसका क्या होगा। कोई मिठाइयां लाए मेरे लिए तो मुझे वो लेना ही आवश्यक नहीं, उसने लाई, अब स्वीकार करना कि नहीं करना वो मेरी मर्जी है। इट इज माई चॉइस। सिमिलरली कोई गालियां लाए तो स्वीकार करना या न करना ये मेरी मर्जी है। उसने उसका काम किया, मैं मेरा काम करूं। हमारे जीवन में ये दुख होते क्यों हैं? क्योंकि हम कभी ये चॉइस एक्सरसाइज करते ही नहीं, हम कभी चॉइस को उपयोग ही नहीं करते उसका। कोई हमारे लिए प्रशंसा लेकर आए तो हम खुश हो जाते हैं, वाह 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 वाह, कान करें आप वधारे बोलो अजी थोड़ू। और कोई अपनी निंदा करे तो हम दुखी हो जाते हैं सीधे, वो जो टोपी लेके आता है हम पहन ही लेते हैं सीधी, हम ये भी नहीं देखते हमारी साइज की है नहीं है, मेरे लिए है नहीं है, वो लाया मैं पहन लूं बस। चॉइस तुम्हारी है और तुम स्वतंत्र हो अपने इस चॉइस का निर्वाह करने। धर्म आपको ये सिखाता है। इसलिए बातें अर्जुन बहुत कह रहा है, सुख और दुख की बातें कर रहा है, पाप और पुण्य की बातें कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण, मैं तो दर्शन करता हूं भगवान ऐसे देखते होंगे, वाह वाह वाह, आगे बोलने वाले हैं ना भगवान। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन तू बातें तो बड़ी बड़ी करता है। अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। प्रज्ञावाद की तरह बड़े बुद्धिवादी की बात कर रहा है तू, लेकिन ये बात सही जो बुद्धिमान होते हैं वो नहीं करते। गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। ज्ञानी लोग ऐसी बात करते नहीं है अर्जुन। अज्ञान से निकली हुई बात, गीता यही तो है। अर्जुन मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो प्रॉब्लम है वो मेंटल प्रॉब्लम। गीता इज अ बुक ऑफ साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के लोग कहते हैं फ्रॉइड इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रॉइड। बड़ा अच्छा काम किया उसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में। और साइकोलॉजी का अभ्यास जो करे उनको चार ही नाम पढ़ाए जाते हैं। यहां भी होंगे साइकोलॉजी के विद्यार्थी, फ्रॉइड, जुंग, सीजी जुंग, कार्ल गुस्ताव जुंग, सिगमंड फ्रॉइड, सीजी जुंग, अब्राहम मास्लो, ऐसे तीन चार बड़े बड़े नाम हैं। मास्लो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उसमें फ्रॉइड इज अ फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट। फ्रॉइड को यदि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहोगे तो वेद व्यास को ग्रैंड फादर कहना पड़ेगा साइकोलॉजी के।
और भगवान श्री कृष्ण को तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ऑफ साइकोलॉजी कहना पड़ेगा। इनके जैसा मनोवैज्ञानिक न कोई हुआ है न कोई हो सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ है साई अर्जुन, डॉक्टर केवी यादव की कंसल्टिंग रूम में बैठा है। आप पूछोगे डॉक्टर केवी यादव? हाँ, डॉक्टर कृष्ण वसुदेव यादव। तो उनकी कंसल्टिंग रूम में अर्जुन और फी क्या चुकाएगा ये, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बिना फी के थोड़ी काम करते हैं। वो आधे घंटे की अपॉइंटमेंट देते हैं और आपका कचरा सुनते हैं, तो उनका भी घर चलाना है ना फिर। यहां पर अर्जुन फी क्या चुकाएगा? अर्जुन की फी है समर्पण भाव, शरणागति, करिष्ये वचनं तव, ये फी चुकाएगा 18वें अध्याय में। स्वजना शक्ति की भ्रांति से ग्रस्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के क्रांतिकारी विचारों को सुनकर मानसिक शांति प्राप्त करने जा रहा है। ये भगवद गीता की यात्रा है। आतताई को कैसे मारूं मैं, हमें ही पाप लगेगा, हम ही दुखी होंगे। सड़तीसवां श्लोक अर्जुन कहता है, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम्। धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा। सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् देयरफॉर हे माधव, स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान हन्तुम, हमारे अपने ही भाइयों को मार के, वयम न अर्हा, मारने के लिए हम योग्य नहीं है, इट डजंट बिफिट अस, ये हमारे लिए सही नहीं है। स्वजनम हत्वा कथम सुखी न हस्याम, हे माधव स्वजनों को मार करके हम सुखी कैसे होंगे? स्वजनों को मार के हमें सुख नहीं मिलेगा, अर्जुन कहता है। तो इसमें हमारी शोभा नहीं है। माधव संबोधन किया, माधव, हमने इसका अर्थ देखा है, लक्ष्मी का पति। माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः, वहां पर हमने माधव शब्द का अर्थ किया। भगवान आप माधव हो, लक्ष्मीपति हो, और मैंने तो देखा है संसार में प्रभु कि लक्ष्मी के लिए लोग कुछ नहीं देखते, अपनों को पराया कर देते हैं, परायों को अपना बना लेते हैं, लक्ष्मी के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तो आपको वो शोभा दे कि आप ब्रज में रहो, गोपियों के साथ प्रेम करो और फिर बस छोड़ के निकल जाओ, आपको स्वजनों के प्रति कोई आकर्षण न हो, कुछ आसक्ति न हो, आप माधव हो, आपको ये सब शोभा देता है। वो हमें ये सब शोभा नहीं देता, न आ रहा, स्वजनों को हम कैसे मारें? और
स्वजनों को मार करके प्रभु हम सुखी कैसे होंगे। याद रखना, मृत्यु जीवन में एक ऐसी घटना है प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके स्वजन की मृत्यु। जब भी कोई स्वजन की मृत्यु हो तो केवल वो व्यक्ति नहीं मरता है, थोड़े से हम भी मर जाते हैं। पिता की मृत्यु केवल पिता की मृत्यु नहीं होती, उतने अंश तक पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब बेटा कौन कहेगा। हमारा एक अस्तित्व जो है उसे पाई चार्ट में डायग्रामेटिकली यदि रखें, आपने देखा होगा ना, वो न्यूज में भी दिखाते हैं, सर्कल करके फिर उसके अलग अलग हिस्से कलर वाले करते हैं, इतना पॉपुलेशन, इतना परसेंट हाँ कहता है, इतना परसेंट ना कहता है। ऐसे जीवन का यदि एक पाई चार्ट बनाया जाए, और आपका अस्तित्व क्या है, जितने अधिक संबंध हैं उतने अधिक आप मटे हुए हैं, और आपका अस्तित्व भी उतना विभाजित है लोगों के साथ, क्योंकि जुड़े हुए हैं आप प्रत्येक के साथ, हमारा अस्तित्व ओवरलैपिंग है। पत्नी की मृत्यु हो जाए तो केवल पत्नी की मृत्यु नहीं होती, उतने अंश तक जितना वो जुड़ा था भावुकता से इमोशनली, उतने हद तक पति की भी मृत्यु हो जाती है। किसी भी स्वजन को गंवाना वो अपने आप को गंवाना है। केवल वो एक शरीर नहीं जाता है हमारे जीवन में से, हमारे हृदय का एक टुकड़ा चला जाता है उतना। भावनगर के दीवान पटनी, प्रभाशंकर पटनी, और ब्रिटिश लोगों ने उन्हें इल्काब दिया था सर प्रभाशंकर पटनी, पटनी साहिब, बड़े विद्वान, बड़े विचक्षण, उस समय में आईएएस, और भावनगर बड़ा संस्कारी राज्य, उसके दीवान थे भावनगर के दीवान, लेकिन सारे सौराष्ट्र के, सारे गुजरात के सभी राजा पटनी साहिब का आदर करते थे। जब भी कोई ऐसा आंतरिक मामला हो, ब्रिटिश सल्तनत के साथ कुछ व्यवहार करना हो, तो पटनी साहब जो कहेंगे वो सब मानते थे, इतना उनका वर्चस्व प्रभाव। उनका सब माता थी उनकी, वृद्ध रही होगी। पटनी साहब की अपनी उम्र कुछ 65-70 साल की हो चुकी थी, मां तो 90+। लेकिन नियम, दोपहर का 1 बजे कोई भी काम करते हो पटनी साहब अपने दफ्तर में, या राजाओं के साथ, या कहीं मीटिंग में, कहीं ब्रिटिश ऑफिसर आए हो उनके साथ में, 1 बजे उठकर चले जाते थे लंच। क्यों? माय मदर विल बी वेटिंग फॉर मी, मेरी मां मेरी प्रतीक्षा करती होगी। और कभी कुछ काम में ऐसे व्यस्त हो गए, 1 बजा 1:30 बजा पता नहीं चला, तो 90 साल की मां आती थी राज्य, प्रभा चार, मां प्रभा कह के पुकारती थी। दूसरे सब लोग पटनी साहेब, दीवान साहब, सर प्रभा शंकर पटनी, और मां तो प्रभा चाल। प्रभा शंकर पटनी कहेंगे, मां थोड़ी बेटा आ बधी मेहनत शु काम करिए छे, जमवा माटे ने, हाल जमवानो टाइम थई गयो, मैं रोटलो बनावी लीधो छे। और पटनी साहेब सबको कहते थे, आई एम सॉरी आई हैव टू गो।
90 वर्ष की अपनी मां के साथ पटनी साहब चले जाते थे भोजन के लिए। मां की मृत्यु हुई, पटनी साहब जे रड़े, इनकी आंखों में अश्रु। सब लोग आते थे आश्वासन देने के लिए, कोई सामान्य व्यक्ति हो तो उसे आश्वासन, इतना विद्वान व्यक्ति, इतना वर्चस्ववान व्यक्ति, इतना प्रभावी व्यक्ति, उसे क्या कहें। भावनगर नरेश आए, उम्र में छोटे थे, कहा पटनी साहब मैं क्या आश्वासन दूं आपको, आप तो विद्वान हैं, समझते हैं सब, अनुभवी हैं, विचक्षण हैं आप, मृत्यु तो सभी की होनी है, आपकी माता 90 वर्ष की आयु, और कितनी सेवा की आपने उनकी, चली गई, साहब शांत हो जाइए, पटनी साहब आप इतना रोते हैं, मृत्यु तो होती है। पटनी साहब ने जो उत्तर दिया है, राजा जी, भाव साहेब, जानता हूं मैं मृत्यु सभी की होती है, मैं रो इसलिए रहा हूं, हवे मने परभा कई ने कौन बोलावशे, सर कहने वाले बहुत लोग होंगे, पटनी साहब कहने वाले लोग बहुत होंगे, प्रभाशंकर भाई कहने वाले लोग बहुत होंगे, परभा कह के जो पुकारती थी वो कौन करेगा। देखा, मां की मृत्यु ये केवल माता की मृत्यु नहीं है, उस अंश तक पुत्र की भी मृत्यु होती है, और इसलिए आप देखना, यदि कुछ ऐसा हो जाए कि एक व्यक्ति जितने संबंधियों से जुड़ा हुआ है उसके एक एक संबंधी विदाई लेने लगे और नए संबंध बने नहीं, ओवरलैपिंग, वो तो अंत में वो टूटता हुआ व्यक्ति स्वयं भी बिखर जाता है, क्योंकि वो स्वजनों की मृत्यु हुई, इस व्यक्ति की भी मृत्यु होती गई। इस अर्थ में यहां पर अर्जुन कह रहा है, प्रभु स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनस्याम माधव। हम संवेदनशील हैं, रुथलेस यदि हो, मार डाले किसी को भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम संवेदनशील हैं, इमोशनल हैं, हम ये देखते हैं कि दूसरे का नुकसान भी अंततो गत्वा मेरा नुकसान है। पास वाले के खेत में खड़ा हुआ पेड़ मैंने काट डाला, वो पेड़ उसकी जमीन में था लेकिन छांव तो मुझे भी दे रहा था, नुकसान केवल उसका नहीं हुआ, मेरा भी हुआ। ये सृष्टि पूरी एक विराट अस्तित्व है, समझ लीजिएगा। जब भी हम दूसरे का नुकसान करने जाते हैं तब वो केवल उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, वो हमारा भी नुकसान होता है, समग्र अस्तित्व जुड़ा हुआ है। इकोलॉजी तो अभी पिछले 20 साल से एक फैशन की बात बन गई, टू टॉक अबाउट इकोलॉजी, हमारे शास्त्रों ने एक इमोशनल लेवल पर इकोलॉजी की बात की, संबंध से। एंड अर्जुन शब्द का ही अर्थ है रुजु, कोमल है, सरल है वो, चूंकि वो कोमल है, चूंकि वो सरल है, वो पहले संवेदना महसूस करता, कैसे महसूस?
एक साथ सारे स्वजन यहां मृत्यु पाएंगे प्रभु, तो हमारे अस्तित्व का अर्थ क्या है फिर? और ऐसी परिस्थिति में हम कैसे सुखी हो सकते हैं? आप माधव हो, बने रहो माधव। मैं ये राज्य लक्ष्मी के लिए, सत्ता रूपी संपत्ति के लिए मैं स्वजनों को मारने का पाप नहीं कर सकता। यह घटना मुझे सुख नहीं देगी प्रभु। फिर से यदि अर्जुन से कहा जाए, अर्जुन ये तो अच्छी बात करता है, अक्रॉस द टेबल बैठ के जब समाधान की बातें करनी हो तब तेरी बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम रण मैदान पर खड़े हैं और वे तो युयुत्सु हैं, ये तो लड़ने के लिए आए हैं, तू नहीं लड़ेगा तो क्या युद्ध अटक जाने वाला है? वे लड़ रहे हैं इसलिए भी तुझे जाना पड़ेगा ना लड़ने के लिए। 38वें श्लोक में अर्जुन उत्तर देता है इस बात का। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि एते, ये कौरवाः, एते ये लोग, यद्यपि अगर ये सब लोग कैसे हैं वे एते? लोभोपहत चेतसः एते, लोभ से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, लोभ से गिर गया है जिनका चित्त, ऐसे ये लोग कुलक्षय कृतम दोषम च मित्र द्रोहे पातकम न पश्यन्ति। इन लोगों को कुलक्षय का जो दोष है, कुल पूरा नष्ट हो जाएगा उसका दोष है, और मित्र के साथ द्रोह करने का जो पाप है वो इनको दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वो पाप करने पे तुले हुए। इस श्लोक में अर्जुन एक बहुत बड़ा सिद्धांत, इसकी कंटिन्यूटी आगे के श्लोक में है, लेकिन यह श्लोक में अर्जुन ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दे दिया। पाप करने पर तुले हुए हैं, पाप नहीं देख रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि लोभोपहत चेतसः। हमारे शास्त्रों ने, वेदांत ने यह बात कही, पाप का मूल क्या है? कई बताए हैं, पाप मूल अभिमान। भगवद गीता के 3rd अध्याय में जब अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ये मनुष्य पाप क्यों करता है? काम और क्रोध, ये दो बातें ऐसी है जिसकी वजह से मनुष्य पाप करता है। लेकिन यहां अर्जुन कहता है, बड़ी मुद्दे की बात है हमारे लिए, भगवान ने जो बात कही एक अलग लेवल से बात कही है। काम क्रोध भी पाप के मूल हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति, अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, इज अवर रिप्रेजेंटेटिव। शुरुआत कैसे होती है पाप की? लोभोपहत चेतसः, लोभ की वजह से। लोभ की वजह से कौरव लोग जो पाप करते हैं, वो पाप हम नहीं कर सकते प्रभु। लोभ, एक अच्छा दृष्टांत याद आ रहा है मुझे। पढ़ा लिखा एक ब्राह्मण था, किसी महात्मा के पास गया, संत के पास गया और पूछा, पाप का मूल क्या है? तो संत ने बताया, आप स्वयं इतने पढ़े लिखे हो, मैं यदि कुछ उत्तर दूंगा तो आप चर्चा करोगे। महापुरुषों के पास एक दृष्टि होती है, वो जो भी प्रश्न लेकर आते हैं सबको उत्तर नहीं देते, उत्तर देना भी नहीं चाहिए।
कभी रेडीमेड उत्तर नहीं होते संतों के पास। जो व्यक्ति प्रश्न लेकर आता है उसके अनुरूप उत्तर होने चाहिए, तभी वो उत्तर सामने वाले व्यक्ति की प्रगति कराएगा, उसको काम आएगा उन्नति के लिए। तो ये संत बड़े सुलझे हुए संत थे। देखा कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण है, एक अहंकार लेकर घूमता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। और कुछ लोगों का ऐसा है कि प्रश्न के उत्तर में रस नहीं होता है, लेकिन वो चर्चा में तावड़ो कुटवा में रस हुआ है। संत ने कहा कि मैं तुझे उत्तर नहीं दूंगा, यहां से थोड़ी दूर एक शहर है, वहां पर एक वेश्या है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी, उसके पास जाओ। ब्राह्मण ने कहा, वेश्या? हां, वो मेरी शिष्या भी है, बहुत समझती है वो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी, उसके पास जाओ। ये ब्राह्मण, पढ़ा लिखा ब्राह्मण गया उस नगर में, वेश्या का घर था, वो ढूंढ निकाला, उसको जाकर के परिचय दिया, मैं पढ़ा लिखा ब्राह्मण, अपनी डिग्री बताई और कहा कि मैं ये संत के पास गया था प्रश्न लेकर के, लेकिन उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया, तुम्हारा नाम दिया है कि तुम मुझे उत्तर दोगी, दे पाओगी मेरे प्रश्न का उत्तर, पाप का मूल क्या है? वेश्या ने कहा कि ओहो, पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं आप, जरा हाथ पैर धो लीजिए, दूर से आए हैं, भोजन बना दूं मैं, आप भोजन कीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए और बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे। उस ब्राह्मण ने कहा, हाथ पैर धोने की बात है तब तक ठीक है, मैं भोजन नहीं कर सकता, तुम्हारे यहां पढ़ा लिखा ब्राह्मण, तुम्हारे हाथ का भोजन, तुम्हारे यहां भोजन नहीं कर सकता मैं। ओ क्षमा चाहती हूं, बात ऐसी थी कि आप जैसा पढ़ा लिखा ज्ञानी ब्राह्मण मेरे यहां आए तो मेरा सद्भाग्य होता है, और मैंने सोचा आपके दर्शन करके कि आप जैसा ब्राह्मण आया है, आज पूर्णिमा का दिन है, बड़ा उत्सव का दिन है, तो मेरे मन में ऐसा संकल्प उठा कि आपको भोजन कराऊं और एक मन सोना दान में दे दूं। लेकिन अभी आप यदि नहीं भोजन करना चाहते हैं तो मेरा दुर्भाग्य है क्या? फिर ब्राह्मण के कान ऊंचे हो गए, भोजन तो ठीक, एक मन होनू? शु भाव चाले कमलेश भाई, तमे तैयारी करता हो, हमने कहीं खरीदी बदी करता हो, एक मन। ब्राह्मण ने मन ही मन, पढ़ा लिखा था ना, और पढ़े लिखे लोगों के पास सब उत्तर होते हैं, आम एक झुका इन पहली बात, जो झुकाए जो पढ़े लिखे हैं वो बड़े विचक्षण होते हैं। सोच लिया एक मन, जब 20 किलो सोना मिलता है तो कोई बड़ा यज्ञ कर देंगे, कोई तीर्थ यात्रा कर देंगे, इनके यहां भोजन का जो पाप है वो धो डालेंगे। तो जब अभी तो वेश्या वो कह रही है कि मेरा दुर्भाग्य यदि आपके जैसा, नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं करता, भोजन नहीं करना चाहिए तुम्हारे हाथ का भोजन मुझे, लेकिन तुम ऐसे महान संत की शिष्या हो, ऐसे महान संत ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो आज के लिए नियम में जरा, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस इन द लॉ, तो आज ले लो, तुम पुण्य ले लो बस, हमारा तो काम ही यह है पढ़े लिखे ब्राह्मणों का, लोगों को पुण्य का मौका ही देते रहे। तो आप थोड़ा सा विश्राम करें, मैं भोजन बना लूं। वेश्या भोजन बनाने के लिए गई, ये ब्राह्मण ने हाथ पैर धो लिए, अच्छा कक्ष दिया था, वहां विश्राम करते करते वो तो सोचने लगा क्या 20 किलो सोना नु करशू शू, आपने गोठवी दी थी बड़ी योजनाओं बनावी दी थी,
इतना आएगा, मकान बड़ा बन जाएगा, गाड़ी ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक वर्ल्ड टूर भी हो जाए। डेढ़ दो घंटे लगे। उस महिला ने आकर के कहा, पढ़े लिखे ब्राह्मण चलिए, भोजन तैयार है। हाँ, बैठे, भोजन पूरा परोसा, और जैसे ही इसने पहली पूड़ी तोड़कर एक निवाला उठाने गया, उस वेश्या ने हाथ में से निवाला छीन लिया, थाली को आगे खींच लिया और कहा, रुक जाइए, पहले आपने भोजन करने का मना किया, क्यों? ब्राह्मण ने कहा, तुम जैसी स्त्रियों के हाथ का भोजन खाना वो पाप है, इसलिए मना किया। हां, अब भोजन कर रहे हो, क्यों? ब्राह्मण ने कबूल किया, भोजन के लिए मैं भोजन नहीं करता, लेकिन एक मन सोना जो दान में देने की तूने बात कही है ना, इसलिए मैं भोजन करने बैठा हूं। वेश्या ने कहा, ये लोभ ही पाप का मूल है। लोभ जो व्यक्ति में, ये एक मन सोना न भी मिले तो तुम्हारा घर बना हुआ है, तुम्हारा जीवन चल रहा है, पढ़े लिखे हो तुम, अपनी रोटी कमा सकते हो तुम, लेकिन मेरी जो योग्यता है, मेरा जो पुरुषार्थ है, उससे अधिक कुछ मिल जाए, यही, इसी को लोभ कहते हैं। और यह वृत्ति जब आ जाए व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन यहां कहता है, लोभोपहत चेतसः। लोभ की वृत्ति को समझना। शास्त्र ने तो लोभ और लालच दोनों को भी अलग करके बताया है। हम व्यवहार में लोभ लालच साथ में बोलते हैं। दूसरे का जो है वो मेरे पास आ जाए, इस वृत्ति को कहते हैं लालच। उसकी शर्ट कितनी अच्छी है, ऐसी शर्ट मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा। उसका मकान कितना अच्छा है, ऐसा मकान मेरे पास आ जाए तो अच्छा। ये लालच। और लोभ, जो मेरे पास है वो बना रहे मेरा, वो छूटे नहीं, उसे कहते हैं गुजराती में बहुत सरस कहावत, अति लोभ ते पाप। क्या बद्दा डाया छो तुम, आ तो तुम्हें बदा मारी परीक्षा लेवा बैठा छो, आखो हॉल भरी ने आम, कि तुमने बधुज आवड़े छे, અને હું 18 વર્ષ સુધી પરીક્ષા આપવાનો છું। બે હજાર 2031માં પાડજો ને તાળીઓ। જો મેરા હૈ વો હમેશા કે લિયે મેરા બના રહે, કિસી કે પાસ ન જાય, ઇસકો કહેતે હૈં લોભ, છૂટે નહીં। लोभ हमेशा दीवारें खड़ी करता है, लोभ हमेशा मेरा पराये का भाव खड़ा करता है। ये मामकाहा पांडवाहा वृत्ति जो धृतराष्ट्र में आई है वो लोभ की वजह से है। लोभोपहत, अर्जुन जानता है ये वृत्ति क्यों आई है, क्यों आए हैं ये लोग, इनको हमें मारने में रस नहीं है, इनको राज्य चाहिए, इनको संपत्ति चाहिए, ये लोभ वृत्ति है, ये बैरी नहीं है हमारे। वैर लेवानी भावना हो ने, तो देखिए जरासंध जो मथुरा पर आक्रमण करने आया था 17 बार, वो बैर के लिए आया था, उसे कृष्ण से विरोध था, इसने मेरे दामाद कंस को मार डाला है, मैं इसे मार डालूंगा। जरासंध को मथुरा की न गद्दी चाहिए थी, न जमीन चाहिए थी, न संपत्ति चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था, उसे कृष्ण दे दो खत्म, वो वापस चला जाएगा। ये बैर वृत्ति।
अर्जुन जानता है महाभारत के रण संग्राम में हम आकर बैठे हैं, ये धृतराष्ट्र, ये कौरवों की, दुर्योधन की या धृतराष्ट्र की या उसको सहकार देने वाले सभी लोगों की वैर वृत्ति नहीं है। वे जानते हैं उन्होंने, हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, हम बिल्कुल निरुपद्रवी हैं। इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन किलिंग अस प्रोवाइडेड वी गिव देम ऑल द वेल्थ एंड किंगडम। मैं इस शब्दों पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि अर्जुन इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड। वो स्वयं को तो जानता है, वो विपक्ष को भी जानता है। हम ये भी नहीं जानते, हमारा क्या होता है किसी के साथ यदि दुश्मनी हो गई ना, फिर वो हमें बुरा ही लगता है, फिर उसमें जो बुराई ना हो वो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं उसमें। अरे जवा दो ने, तो बधु ना हो, एकाद बे बात हो, बधुन बधु नहीं। दृष्टि को हमेशा बैलेंस रखना, संतुलित रखना, उससे आपको शांति मिलेगी। लोभोपहत चेतसा, उनका लोभ है, उनको संपत्ति चाहिए, और जहां लोभ होगा, जहां मुट्ठी खुलेगी नहीं, वहां ये समस्या आएगी। तो वे लोग नहीं देख पाते। अर्जुन कहता है हम तो देख पाते हैं ना, मित्र द्रोह का जो पातक है वो नहीं देख पाते। 39वां श्लोक बहना। कथम नग्नेयमस्माभिः, कथम नग्नेयमस्माभिः, पापादस्मान् निवर्तितुम्। कुलक्षय कृतं दोषम्, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। वे नहीं जानते प्रभु, हम तो जानते हैं ना कि कुलक्षय का क्या पाप होता है। कथम नग्नेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। हम अस्मात् पापात् निवर्तितुम्, हम तो ये पाप में से मुड़ सकते हैं ना, वापस आ सकते हैं ना, क्यों ना करें हम। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद भी, यहां फिर से अर्जुन ने कहा जनार्दन, जनानर्दयति। आप तो जनार्दन हो, आप विचार न करो, हम तो विचार करें ना कि ये कुलक्षय रूपी दोष में से हम क्यों ना मुड़ जाए वापस। भारतीय परंपरा की एक बहुत बड़ी विलक्षणता रही, कुल को बड़ी महत्ता दी, फैमिली। और जब हम फैमिली कहते हैं ना, तो आजकल की फैमिली वो न्यूक्लियर फैमिली ही याद आती है, अमे बेन अमारा बे, वहां वहां फैमिली पूरी हो जाती है। सनातन वैदिक संस्कृति में परिवार केवल वो दो दो पे पूरा नहीं होता था, परिवार मतलब कुल, सात आठ भाई, चार पांच बहनें, शु फलद्रुप्त आती हूं आप, सभी के संतान, और एक रसोई घर में 50-50, 70-70 लोग का भोजन बनता था, साथ में बैठकर भोजन, मैंने देखा है ये, साथ में, और परिवार ही एक बस। छोटे बालकों तो को पता भी नहीं चलता था कि मम्मी क्या होती है, वो मम्मी को चाची कहते थे, चाची को मम्मी कहा जाता था, जो सबसे बड़ी होती थी वही मम्मी, मां, बाकी सब चाचियां या भाभी।
यहां भी शायद ऐसे लोग बैठे होंगे जो अपनी माता को भाभी कह के पुकारते होंगे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली, और छोटे भाई के संतान हैं तो सब उनको भाभी भाभी मम्मी को, वो बचपन से वो भी भाभी कहता है मां को। कहीं कोई बाहर चला जाए तो वो पता भी नहीं चलता रहा कि ये ननंद नन, मतलब देवरानी का पुत्र है या जेठानी का बेटा है, कुछ पता नहीं चलता था। मैंने तो ये भी सुना है कि स्तनपान भी कराते थे। देवरानी का पुत्र है या पुत्री है, भूख लगी है, देवरानी खेत में गई है या तो कपड़े धोने के लिए नदी पर गई है, तो ये जेठानी स्तनपान करा देगी। आज के युग में हम ये बातों को, स्पेशली जो अर्बन लोग हैं हमारा सिविली, शहर के लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। ये प्रेम था, ये अपनापन था, कुल भावना थी, कोई पराया है ऐसा लगता ही नहीं था। चाचा का लड़का मतलब भाई होता है, चाचा का लड़का कजिन, ये क्या हुआ, भाई है वो मेरा। और उस बॉन्ड को, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ करता था, उसको तोड़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। परिवार के साथ में रहना, और कई प्राचीन संस्कृति में ये भावना है। मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आ रही है, अमेरिका तो कई बार जाता हूं पिछले 25 साल से, पेंसिल्वेनिया में आमिश कंट्री है, यदि आप लोग गए हो एलनटाउन और वहां पर आसपास में, आमिश कंट्री गए हो आप लोग, कितने लोग गए हैं, कोई बहुत कम लोग गए। अब जाना अमेरिका में केवल राइड लेने के लिए मत जाना, यहां भी जाना, आमिश कंट्री। हमारे बहुत सुंदर एक परिवार, तो 200 साल पहले ये लोग जर्मनी से आए हैं, अमेरिका में रहकर, मोस्ट एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री में रहकर भी आज भी ये लोग बड़ी प्रिमिटिव लाइफ जीते हैं, बहुत सादा जीवन। आज भी उनके वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वे लोग गाड़ी का उपयोग नहीं करते, हाथ से करते हैं, उनकी महिलाएं कपड़े हाथ से सीती हैं, गाय भैंस तो नहीं होती वहां, गायें रखते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, बड़े बड़े फार्म उनके। ट्रैवलिंग करने के लिए वे लोग घोड़ा गाड़ी में, आज की 2014 में 21 की सदी की बात करता हूं मैं, अमेरिका में रहते हैं और घोड़ा गाड़ी में जाते हैं, वहां के पूरे हाईवे में उनके लिए अलग रास्ता बनाए कि उनकी घोड़ा गाड़ी यहां से जाएगी। आमिश कम्युनिटी है वो, मैं 3-4 बार गया हूं, पिछली बार में गया, वहां मूवी दिखाते हैं वो उनकी कल्चर के बारे में। अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन पिछले 10-15 सालों में आने लगा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो प्रिफर नहीं करते उसको। मूवी देखी चिन्नू भाई, बहुत टची एक बात इसमें, लड़का शहर जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो उसको बाजू वाले शहर में, मतलब 5 किलोमीटर दूर, एडवांस्ड, वहां अमेरिका है टेक्नोलॉजिकली एडवांस, वहां उसको स्कूल में रखा। वो लड़का पढ़ा, स्कूलिंग पूरा हो गया, नहीं तो बाकी के लड़कों के लिए वहां अंदर ही स्कूल है उनकी, बाहर के स्कूल में वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ने भी नहीं आते, वहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये एक लड़का बाहर आके पढ़ा, अपने यहां 10वीं 12वीं की जो लेवल है वो पास किया उसने, अब वो शहर में पढ़ने जाना चाहता है, और वहां पढ़ने जाने के लिए उसके पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि वो
5-7 किलोमीटर दूर जो स्कूल में जाता था वो तो अपनी खबर मेरा छोकरा स्कूटर चलाए, बड़े लोग घोड़ागाड़ी में जाते हैं और सिंगल कोई जाना हो तो एक पगथी लात मारी आपने शू स्कूटर के ने बे पैडा वालू हो ना, एक लात मारी आपने नाना था त्यार रमता देना थी। वो ऐसा आज भी चलाते हैं, वो उनका सामान्य ट्रैवलिंग का वो है या तो बाइसिकल है साइकिल। ये लड़का गाड़ी लेना चाहता है, कार खरीदना चाहता है और घर वालों में इतनी बड़ी चर्चा होती है वो मूवी में, गाड़ी तो लेगा। 200 साल से हम यहां आए हैं, हमने इतने अपनी संस्कृति को संभाल के रखा है, कभी हमने गाड़ी नहीं ली तो गाड़ी लेगा, ऐसा विचार कैसे आया तेरे मन में गाड़ी लेगा तो। ये लड़का पढ़ा है, वहां तो उसने देखी है स्कूल में गाड़ियां लेकर सब आते हैं वहां पर। व्हाट्स रॉन्ग इन बाइंग अ कार। एक बूढ़ा आमिश, सफेद बाल है, सफेद दाढ़ी है, टोपी पहनी है, बूढ़ा, वो कहता है, डियर चाइल्ड, द कार विल टेक यू सो अवे दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिटर्न होम। क्या बात, कार तुझे इतनी दूर ले जाएगी कि तू फिर घर लौट नहीं पाएगा। मैंने जब ये देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए, कितनी सच बात है। हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम घड़ी के कांटों को पीछे नहीं घुमा सकते, लेकिन वो जो कितने अनुभव की बात उसने कही होगी, कार तुझे इतनी दूर ले जाएगी कि तू घर नहीं लौट पाएगा। नहीं देखते आज हम समाज में कई परिवारों के सदस्य प्रदेश में जाकर बसे हैं या यहीं पर कहीं, तो घर में यहां कोई प्रसंग हो आ नहीं सकते, आना चाहे तो भी नहीं आ सकते। इंडिया में तमें दर 2 महीने कहीं करो, अमारा थी कहीं थोड़ू अवाय। नहीं आ सकते। फिर वो धीरे 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 एक इनविजिबल डिस्टेंस निर्माण हो जाए, फिर हम भी मन मना लेते हैं वो तो कहां से आएंगे, अभी इतने दूर गए, इतने दूर से कहां से आएंगे, अब चलो अपना कर लो यहां पर, वो कहां से आएंगे। फिर फेसबुक अपलोड कर देंगे। कुल की जो बात है, यूनिटी की जो बात है, मेरा व्यक्ति, वो भावना। अर्जुन कहता है ये जो युद्ध होगा इसमें हमारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, और ये पाप ये नहीं देख पाते, हम जो देख पाते हम तो रुक जाएं, कोई व्यक्ति पागलपन कर रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम भी उसके साथ पागलपन करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको पागलपन करने से रोकें, यदि न रोक पाए तो सहयोग तो न करें। और यदि हम न रोक पाए, न हम रुके न उन्हें रोक पाए, तो क्या होगा? अति भयानक परिणामों की चर्चा अर्जुन कर रहा है। 20वीं सदी ने अनेक युद्ध देखे, उसमें से 2 महायुद्ध थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और वो दोनों वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसके बाद पोस्ट वॉर यूरोप में, अमेरिका में, विशेष करके यूरोप में, बेचारे यूरोप की हालत बहुत खराब थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो 2 महासत्ताएं, अभी तो बिखर गया रशिया, लेकिन रशिया और अमेरिका, आपने गुजरात में 2 आखला लड़े एमा बच्चे पेलो जाडनो खो निकली जाए, वो 2 महासत्ताएं लड़ रही थी, उसमें बेचारा यूरोप पीस रहा था।
वो जो असर हुई है विश्व ने देखी है, उस समय का जो साहित्य आप पढ़ोगे, नवलकथाएं पढ़ोगे, सार्त्र, जैस्पर, उनामुनो, पूरा सरियालिज्म, अतिवास्तववाद उसमें से उत्पन्न हुआ कि युद्ध के परिणाम कितने भयानक होते हैं। अर्जुन यह परिणामों की चर्चा कर रहा है, हम वो परिणामों की चर्चा कल करेंगे।